पाइथन फंक्शन में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह से कॉल होगा आपका, फंक्शन के अंदर कैसे पैरामीटर पास करते हैं, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है और ऑल्सो नॉन लोकल, और पाइथन व्हाट इज एनियन फंक्शन मींस लैम्डा मैप फिल्टराइज फंक्शन, इस तरह कॉन्सेप्ट को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के इस लेक्चर के अंदर। सो हेलो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा आज थर्ड है, जो हमारा 7 डेज कंप्लीट पाइथन कोर्स बेसिक टू एडवांस में जो आपका आज थर्ड लेक्चर होगा, इसके अंदर आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फंक्शन आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में काम करता है और किस तरह की फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे लाइक एग्जांपल के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, उसके अंदर आप जो फंक्शन को कॉल करोगे साथ में उसके अंदर हम अपना आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, फंक्शन कैसे ओवरराइड करते हैं, आपका स्कोप की बात करें, जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो अपने मेथड के अंदर, वो फंक्शन आप फंक्शन के अंदर आपका लोकल होगा, ग्लोबल इट मीन्स नॉन लोकल, और ऑल्सो पाइथन के अंदर वॉट इज द एनियन फंक्शन, इट मीन्स कि पाइथन के अंदर एनियन फंक्शन नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एज एनियन फंक्शन काम क्या है। सपोज आपने एक फंक्शन डिफाइन किया बट उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, विदाउट नेमिंग एनी फंक्शन दैट इज अ कॉल लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन की हेल्प से हम उसको पाइथन के अंदर एनोने फंक्शन को एज्यूम करते हैं, एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। If you are a first time come to channel, please subscribe the channel for upcoming my daily information and also press the bell icon. This is जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इजीली चीजें पढ़ पाए समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो शेयर करें और इस क्लास के एंड में एक फीडबैक के लिए लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे कि आपने किस तरह कॉन्सेप्ट कैसे एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया। अब मुझे होप है कि सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट के दो लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर किए, नहीं देखा ना तो आपके प्लेलिस्ट में है लिंक, जाके उसको एक्सेस कर लेना। आज से मुद्दा के ओनली ओनली फॉर द फंक्शन और इसके बहुत सारे एग्जांपल और कॉन्सेप्ट। सो अ फंक्शन का काम क्या है कि ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, लाइक एग्जांपल आप बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे बहुत सारे वेरिएबल हैं उन सबको मैं किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बाइंड करना चाहता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं जब भी किसी चीज को मैं कॉल करूँ तो मेरे सारे ही फंक्शन मेरे एक बार में कॉल हो, अदरवाइज कॉल ना हो जब मैं उसे कॉल करूँ। तो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को डिफाइन जो किया आपने, प्रॉपर्टी को डिफाइन जो किया है, उसको हमें कॉल करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक फंक्शन की नीड पड़ती है, दैट इज अ कॉलेबल। तो अब फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच रन एवर, कहीं भी इसको हम रन करते बट प्रोग्रामर और डेवलपर और कोडर कॉल डिफाइंड फंक्शन नेम, जिस फंक्शन का नेम को हमने डिफाइन किया है उसको एज हम प्रोग्रामर हम डेवलपर हम कोडर जहां पे उसको कॉल करते हैं वही फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन के जो भी हमने अपना प्रॉपर्टीज को वेरिएबल को जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसको हमने अगर हम डिफाइन किया हुआ है तो वहीं पे वो आपका कॉल होगा, वहीं पे आपका वो रन होगा जब तक कि आप फंक्शन कॉल नहीं करोगे। ये आपके एडवांटेज होते हैं। मान लो आप किसी एक कोड को आप मल्टीपल टाइम आपने राइट कर दिया बट उसको आप अगेन टू अगेन चाहते हो तो लूप तो है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉजिक भी होते हैं जिसको हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं, और जब चाहे लाइक आपको दोनों में सम करना है, जहां पे आपको सम चाहिए उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाए, जहां पे आपको माइनस चाहिए उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो जैसे समझते कैसे हम पाइथन के अंदर अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर मे भी आप में से किसी ने कोई बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी अदर लाइक सी और सी प्लस प्लस, तो वहां के फंक्शन को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें फंक्शन नाम का आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है function, फंक्शन ठीक है, देन यहाँ पे आप फंक्शन का नाम, एग्जाम्पल मैंने मान लिया सम, मैंने क्या मान लिया मेरा सम फंक्शन है, अब पैरेंथेसिस को ओपन किया और क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया एंड क्लोज किया, इसके अंदर जो भी कोड लिखते हो क्या होता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इस कोड के अंदर जो भी कोड ऐड करते हो वो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड होता है। अब इसी एग्जांपल को मैं अपने लेता हूँ पाइथन के अंदर, बिकॉज हम बात करें तो पाइथन के अंदर आपका फंक्शन नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे आपका होता है डेफ def, डेफ की हेल्प से हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये आपका मेन और कोर कॉन्सेप्ट है। जब भी आप पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे स्टार्टिंग में आपको def डेफ नाम का कीवर्ड यूज करने पड़ेगा, देन अगेन से सम नाम का फंक्शन, और यहाँ पे कोई भी हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाना, सिंपल से लगाना है okay? पैरेंथेसिस को लगाने के बाद ये जो आपने लगाया कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट को लगाए आपको डबल कॉलन का यूज करना है, डबल कॉलन ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा। तो इस कॉलन के बाद आपको स्टार्टिंग के 4 स्पेस व्हाइट स्पेस आपको छोड़ना है, एग्जांपल के लिए 1 व्हाइट स्पेस,
टू व्हाइट स्पेस, थ्री व्हाइट स्पेस, फोर, और इसके बाद यहां से लेके जो भी कोड आप राइट करोगे जब तक, वो सभी क्या आपके होगा इस फंक्शन की ब्लॉकअप कोड के अंदर होने वाला है, ठीक है। और जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करने सेम को लेके भाई सारा चीज आपने इंप्लीमेंट कर दिया फंक्शन के अंदर, जब कॉल करना हो तो सब लिख दो और डेट इज अ कॉल। सिमिलर जैसे हम अदर पढ़ाई में लिखते हैं कि एस यू एम सम लिख के उसको कॉल कर दिया, ठीक है, ये हमारा आता है कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर नॉर्मली हमें सम लिखना है, जैसे आप ये सम राइट करोगे ना, सम बोलेगा यस आई एम डिफाइन जस्ट अबव, तो मैं डिफाइन हूं अब मैं कॉल, तो यहाँ पे जब कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी कोड राइट करोगे सभी क्या होगा इस फंक्शन के कॉलेबल के हेल्प से ही चीजें रन पाएगी और चल पाएगी। बट आपको नोटिस करना है डेप कीवर्ड यूज करना है, सम कोई भी फंक्शन का नेम और उसके लिए आपका पैरेंथेसिस और कॉलन, और इस एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पाइथन जो है अपना स्पेस ब्लॉक के लिए बना लेता है जिसकी हेल्प से इसके अंदर बना। जैसे आप स्पेस पीछे करोगे इट मीन्स वो आपके फंक्शन के ब्लॉक का कोड आपको नहीं मानेगा, वो फंक्शन के ब्लॉक का कोड के बाहर का आपका जो भी चीज आप करोगे। चलिए इसका एग्जांपल हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तभी हमारी कॉन्सेप्ट और कहानी चीजें क्लियर हो पाएगी। लास्ट के लेक्चर में हमने यहीं तक किस तरीके से अपने ईमेल को वेरीफाई करते हैं कि ईमेल हमारा वैलिड है इनवैलिड है, इस तरह से हमने अपना ओटीपी जनरेट किया। बट आज का हमारा फाइल का नाम क्या होगा सेवन, बिकॉज जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस तरह से हम फाइल को अलग अलग नाम से देते रहेंगे। तो आज हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज हम फंक्शन के नाम को हम फंक्शन के नाम से रखते हैं फन, फन डॉट पी वाई के नाम से। मैं फंक्शन के लिए आज जितने भी चीजें होगी सभी हम अपने फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले, तो आज आपका फन नाम का है। मैंने क्या बोला है जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे आपको डेप की बोर्ड लिखना है फंक्शन के नाम। मैंने मान लो एग्जाम्पल ई एच ए एम पी एल एग्जाम्पल ई एच ए एम पी एल एग्जाम्पल, आप पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना बिकॉज ये पाइथन है या कॉलन, जैसे कॉलन लगाओगे एंटर मारोगे ऑटोमेटिकली उसने क्या किया आप चेक करो ये स्पेस ले लिया है। यहाँ पे क्या करना है एग्जाम्पल के लिए प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट हेलो फंक्शन, ओके हेलो एफ एन सी फंक्शन, और चाहो तो आप लाइन वहां से ब्रेक कर लो बैक स्लैश एन लगा के, ठीक है, ओपन हो चुका है। जो भी अभी बेसिक से एग्जाम्पल लिए यहाँ पे आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना है वो भी कर सकते हो। आप एग्जाम्पल लेने के लिए एक्स इक्वल टू में मान लिया मैंने फाइव है, कॉलम वाई इक्वल टू मैंने मान लिया क्या है इलेवन है, ठीक है, इसको आप स्वैप करना चाहो जो भी करना चाहो तो इस फंक्शन के अंदर ही होगा। लाइक में मान लो मुझे अगर स्वैपिंग करना है तो पहले करो प्रिंट ना एफ फॉर्मेट बिफोर बिफोर एस डब्ल्यू ए पी आई स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग ना बिफोर स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग लिख देंगे पे एक्स एंड वाई इज, अब क्या इज होगा इसके अंदर पास कर देना एक्स ना कॉमा पास कर देना वाई, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था। और इसको करेंगे हम आफ्टर स्वैपिंग करेंगे, आफ्टर स्वैपिंग करेंगे तो उसका रूल क्या होगा देखो, जब स्वैपिंग करना हो नॉर्मली अपना शॉर्टकट लगा लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप वाई कॉमा एक्स कर दो, दैट सिंपल मेथड से आपका वैल्यू स्वैप हो जाएगा सॉर्टिंग, ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक तरीका होता है वैल्यू को सॉर्ट करने का। इसी कोड को कॉपी करते हैं और अपने इस स्वैप के बाद आते हैं और लिख देंगे, आप जब राइट करोगे तो अब आ जाएगा आफ्टर, बस ओनली आपको लेना आफ्टर, बस ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जब भी अब यहाँ पे इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ना, लग एग्जाम्पल चलते हैं अपने टर्मिनल पे, आज के फाइल का नाम क्या है पहले तो आपको लेना पी वाई ना पी वाई, आपको पी वाई फाइल का नाम फन डॉट पी वाई, जैसे फन डॉट पी वाई राइट करोगे तो आपका ये अभी करंट वाला फाइल आपका एग्जीक्यूट होगा और लाइन बाय लाइन हमारा इंटरप्रेटर इसको लाइन करेगा, जहां पे उसको मिलेगा एरर वहां एरर देगा, बाकी सभी लाइन का आपको मिलेगा आउटपुट। एक बार हमें यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके रन करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा है, नथिंग, बिकॉज हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया है, क्या इसको हमने कॉल किया है, जब तक आप किसी चीज को वैल्यू को आप कॉल नहीं करते हो क्या वो काम करता है आपके लिए, नहीं करता है। सो कैसे कॉल करोगे, अब इस ब्लॉक तो लिख दिया, ब्लॉक को एंटर मार के बाहर आ जाओ और यहाँ पे जो आपने नाम लिखा था अपने फंक्शन का वही सेम राइट कर दो, और जैसे आपने राइट किया अभी कहीं भी जहां जहां आप इसको कॉल करोगे वहीं पे ये सारा ही आपका कोड क्या होगा कि आपका चलेगा। तो अब देखना अगेन से मैं चलाऊंगा इसको पी वाई
fun.py, तो आपका यहाँ पे बिफोर सैपिंग नंबर भी आएगा, आफ्टर सैपिंग भी आएगा, और क्या लिख के आ गया, हेलो पाइथन। देखो पहले आया इज, इसके बाद स्पेस दे दो, यहाँ पे आप इसके बाद क्या करो, स्पेस दे दो ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके चलिए एक बार अपना टर्मिनल करते हैं क्लीन, अगेन से चलाते हैं, और फिर देखो बिफोर स्वैपिंग नंबर इज द 511, आफ्टर स्वैपिंग नंबर इज द 115। तो ये जहां पर कॉल हो, जब उसे कॉल करो तभी तो आपकी कॉल होगी। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर जितने भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना अपने पाइथन के अंदर, सबको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे इसके अंदर। आप दोनों को ऐड करना हो, जितना भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो, लाइक आपको अगर टू नंबर्स को ऐड करने का, माइनस का, मल का, डिव का, इन सब का प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हो इजिली, जो यहाँ पे आप फंक्शन बनाओ। फिर अभी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम इसके अंदर आर्गुमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हमारा पैरामीटर पास करते हैं। उसके बाद हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, दो आर्गुमेंट के हेल्प से कैसे दो सम कराएं, उसका माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और साथ में आपको फ्लोर, पावर और इस चीज करेंगे। पहले हम इसके अंदर समझते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी डिफाइन करो, नथिंग पॉसिबल, जो भी करोगे सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और उसके अंदर आपको फंक्शन कॉल करना, बस दैट सिंपल। यही हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने का। अब बात करेंगे हम किस तरीके से इसके अंदर हम अपना आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं और कैसे इसको कॉल करते हैं, वो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं उसको भी। इसी कोर कॉन्सेप्ट को एक नया पेज यहाँ से क्रिएट करता हूँ और बता रहा हूँ। जैसे लाइक मान लो अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया है ना, हमने डी ई एफ डेप नाम से फंक्शन डिफाइन किया, नाम कहते हैं फंक्शन का नाम रहते हैं सम, और सम करने के लिए आप दो या दो से ज्यादा वैल्यू का लेके आओगे, है ना। आप सम करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग दो और उससे ज्यादा वैल्यू को लेके आ सकते हो सम करने के लिए, आपकी लिस्टिंग भी आ सकती है, मल्टी वैल्यू आपकी आ सकती है। जैसे नो, तो इस सम के अंदर मैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए एक ए कॉमा बी, ठीक है, डिफाइन कर दिया कॉलन। अब साथ में करना का ए बी, जो ए बी आपका फंक्शन के अंदर आया है, दिस इज द, ये आपके होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, एफ ओ आर एम ए एल, फॉर्मल आर्गुमेंट। अब आप ये व्हाट इज द फॉर्मल, तो ए बी तो है लेकिन इसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं है ना कि वैल्यू क्या आएगी। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम भेजेंगे, इट मीन्स कि इस ए और बी की वैल्यू को हमें कोई आइडिया नहीं है। सो डायरेक्ट इज द, ये फॉर्मल है, ये अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जब इसके अंदर हम अपना वैल्यू पास करेंगे वो आपका होगा एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल में हमने टू पास किया, एक्चुअल में हमने थ्री पास किया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हो उसके अंदर जो आप अपना एक पैरामीटर समझ लो उसको, एज ए समझ लो आर्गुमेंट, इसको आप एज ए आर्गुमेंट ए आर जी यू, इसको आप आर्गुमेंट समझो और समझो पैरामीटर पी ए आर ए एम ई टी आर, एक ही बात है, ठीक है। बट ये आपका काम करता है फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर भी आपकी। सो इसके अंदर मैं अगर एक बना दू एस नाम का जेट बनाता हूँ, और जेट के अंदर इस ए प्लस बी को एड कर दिया, अब प्रिंट कर देंगे क्या क्या, पी आर आई एन टी, प्रिंट कर दोगे आप यहाँ पे जेड, ठीक है। फंक्शन कॉल हो चुका है, चलिए फंक्शन में बाहर आओगे, और व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन सम, तो इसके अंदर आपको विदाउट पासिंग द एनी एक्चुअल आर्गुमेंट यू नॉट कॉल, बिकॉज जब इसे कॉल करोगे इस केस में आपको मिलेगी एरर, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर आपने ए और बी दो आपने पैरामीटर पास किए फॉर्मल। जब इसे कॉल करोगे दो आपको एक्चुअल आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे, लाइक यहाँ पे ब्लैंक अगर कॉल करोगे इस फंक्शन, इट मीन्स आपको मिलेगा एरर, प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं और कोड भी आपका आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो डेट केस यहाँ पे पहला आप पास कर देना क्या, एग्जाम्पल के मान लेता हूँ फर्स्ट इज द टू एंड सेकेंड इज द फाइव, ठीक है, फर्स्ट इज टू एंड सेकेंड इज द फाइव, हमने दो इधर पास करेंगे। अब इसी को हम बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल, ए सी टी यू एल एक्चुअल, ये मेरा एक्चुअल है भाई, वैल्यू है ना, तो टू इज एक्चुअल वैल्यू, फाइव इज एक्चुअल वैल्यू, बट दिस इज द फॉर्मल। ये ए और बी जो होते हैं ये हम अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बट ये जो आपके होते हैं एक्चुअल है, आई एम रियल, ये रियल टू और फाइव है। जब टू गया तो टू करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू हो गई, फाइव करस्पॉन्डिंग आपकी बी की वैल्यू हो गई। यस नो, जो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी टू हो जाएगा, अब बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आपकी होगी, वो आपका यहाँ पे जाएगा फाइव। बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये करस्पॉन्डिंग आपके जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। बस यही मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब चलिए इस कोड को भी हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेवलपिंग के उसमें।
जो हमारा वीएस कोड का ऑलरेडी है, ठीक है, जरा देखें और समझते हैं कैसे करना है। फिलहाल के लिए हम इसे कमेंट करते हैं और नीचे आते हैं और नीचे फिर से हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, वही डेफ, ठीक है, और इसमें सम रखेंगे और इसके अंदर हमने पास कर दिया क्या, आप कुछ भी कर लो, ए कोमा बी कर लो या एस कोमा वाई कर लो, डजंट मैटर, ठीक है, बी पास कर दिया, कॉलन लगाया, ठीक है, इसके अंदर आ जाओ और इसके अंदर हमने बनाया सी, सी को हमने मान लिया सम मान लेते हैं या इसका जेड मान लो, ठीक है, सी मान लेते, सी सी इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पे ए प्लस बी कर दो, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंट है, जब इस वाले कोड कॉन्सेप्ट को भी समझने जा रहे हैं, ठीक है, कि रिटर्न करने से क्या आपका आउटपुट आता है और आपका प्रिंट करने से क्या आता है, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब जब इसका फंक्शन आप डिफाइन करोगे ना तो करना क्या पड़ेगा आपको, इस फंक्शन को आपको डायरेक्टली कॉल नहीं, इस फंक्शन को कॉल के साथ आपको प्रिंट भी करनी पड़ेगी, तो जब मैंने सम करके कर दिया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया 2, 5, ठीक है, तो 2 गए ए की वैल्यू, 5 गए बी की वैल्यू, सो इस केस में आपका वैल्यू अभी भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी इस कोड कॉन्सेप्ट को मैं आपको नीचे दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपने रिटर्न किया, रिटर्न कभी भी आपकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करता, इस केस में करना क्या पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक फेदर डायरेक्टली आप सी नाम का, सी नहीं कुछ ना, तो आप मान लो डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दो आप, जब इसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर दोगे तो अब यहाँ पे आपका वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रिंट की बजाय आपने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, इट मीन्स कि अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इस फंक्शन को कॉल करने की वैल्यू बड़ी है तो मेरा माइनस हो, अभी की वैल्यू बड़ी है तो माइनस हो, कैसे लॉजिक हुआ, तो उस लॉजिक को अगर इंप्लीमेंट करना चाहोगे एक काम करो, पहले इस पूरे कोड को कॉपी करो, इसे कमेंट करो और नीचे आ जाओ और देखते जाओ क्या वाला करने, मैंने कहा हटाओ यहां से, मैंने कहा इफ इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, इट मींस आप ए में से बी को माइनस करो, अदरवाइज 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 आप क्या करो, बी में से ए माइनस करो, ठीक है, अब माइनस करने के साथ साथ इसको आप किसी बदलिए अंदर स्टोर भी तो करो, सी इज इक्वल टू ये और सी इज इक्वल टू ये, ठीक है, ओके हो गया, और जब इसे कॉल करोगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अब मैं जहां पर अकेले 2, 5 पास किया है तो अब मेरा यहाँ पे 5 में से 2 माइनस होगा तो आपका आंसर 3 आएगा, हर केस में आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो ए में से बी माइनस करो, नहीं तो अगर ए की वैल्यू छोटी है बी में से ए को माइनस करो और सी में आप स्टोर करो, और यहाँ पे आपको रिटर्न भी करना है, आर ई टी रिटर्न सी, और यहाँ पे करना क्या है, रिटर्न सी, आर ई टी रिटर्न सी करना है, सो जब इसे कॉल करोगे देखना क्या होगा, अब यहाँ पे आपका मैं यहाँ पर पहले 1 कर देता हूँ और यहाँ मैं पहले यहाँ पे 9 पास करता हूँ, ठीक है, तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, बस ये कोर कॉन्सेप्ट है कि आपको एनालाइज करना है कैसे मुझे इंप्लीमेंट करना होगा और कैसे समझूंगा, ठीक है, करेंगे प्रैक्टिस, आप देखो एक आंसर आया, सपोज आप स्टार्टिंग के पहले नंबर का आप मान लो 11 कर दीजिए और उसको आप 9 कर दीजिए तो भी आपका आंसर हर किसी में आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, बस यही कोड पॉजिटिव आंसर को हमें इंप्लीमेंट करने के कैसे भी करें, फंक्शन कॉल भी तो आर्गुमेंट पास हो लेकिन उस फंक्शन के अंदर वैल्यू मेरी सम हो, अगर माइनस हो तो आपको जानते हैं कि हम हमेशा हम माइनस जो करते हैं वो आपकी बिगेस्ट वैल्यू जो होती है उसमें से हम अपने स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं, इसमें क्या होता है आपकी वैल्यू पॉजिटिव आपका आंसर था, नहीं तो अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव आने के चांसेस भी हो सकते हैं, जैसे नो सो ऐसे आपके मल्टीपल फंक्शन को, ऐसे नहीं एक बार आप इससे आप मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन करो, एग्जाम्पल यहाँ पास कर दीजिए और यहाँ वैल्यू मेरी क्या थी, यहाँ वैल्यू मेरी क्या थी 2 थी और 9 था, तो देखो आप यहाँ फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि फंक्शन को हम केवल एक बार ही कॉल, जितने बार कॉल करोगे उतने बार आपको पूरे फंक्शन के ब्लॉक कोड का आपको आंसर, पहले इस फंक्शन का आपका आंसर कितना आया 7, जब इस फंक्शन कॉल का कितना आंसर आपका 13 आया, सो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जब उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं, बट आपको नोटिस करना है ये ए और बी जो आपके क्या है, दिस इज द फॉर्मेलिटी आर्गुमेंट है, ये आपके अपनी फॉर्मेलिटी को एज ए जनरलाइज कर रहे हैं, टोलाइज कर रहे हैं, बट जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया इसके अंदर वैल्यू पास किया, दिस इज द एक्चुअल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या होगा, ए सी टी एक्चुअल, ए सी टी यू एल एक्चुअल आर्गुमेंट, ए आर जी यू एम एन आर्गुमेंट, और
जब इस फंक्शन को डिफाइन किया तो इसके अंदर क्या आया है, फॉर्मल, FORML फॉर्मल, ARGUMENT, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे कोड को, आपकी यूटिलिटी और आपके अंदर माइंड में डाउट्स और जो भी क्वेरी क्वेश्चन है सारे ही क्लियर होंगे। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक क्लियर हो ही रहे, फिर भी आपको प्रैक्टिस खुद करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब हम इसके फंक्शन जो हमने पास के पैरामीटर, इसे कुछ और हम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे मूव करेंगे हम। लाइक मान के चलते हैं कि अब मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसके अंदर मैं मल्टीपल लिस्ट के फॉर्म में अपने वैल्यू को मैं सेंड करने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया है, बड़े ध्यान से देखना आप, नीचे आ जाओ, एक फंक्शन डिफाइन करो, ठीक है, डी एफ डेफ। अब फंक्शन का नाम क्या रखूँ, मैं समी रखता हूँ। अब पहला आर्ग्यूमेंट ए तो होगा, लेकिन अगला जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा उसको मैं एक एक सिंगल स्ट्रिक की हेल्प से भेजूंगा, और स्ट्रिक ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके यहाँ पे बी की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, मे और मे नॉट। अगर मल्टीपल वैल्यू आप भेजोगे तो मल्टीपल एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं भेजोगे सिंगल सिंगल। लेकिन ए जो आपका स्टार्टिंग की वैल्यू है, बट ए जो है ए इज द ओनली एक्सेप्ट द सिंगल वैल्यू, और बी इज एक्सेप्ट द मल्टीपल वैल्यू, इट मीन्स मोर देन वन वैल्यू। हाँ, एक भी करेगा बट एक से ज्यादा करने की उसकी चांसेस है अगर आप सेंड करेंगे। सो इस केस में क्या होगा, देखना अब मुझे जितने भी वैल्यू मेरे आएगी उन, देखो आ गया ना एरर, कॉलन अब करना है। तो पहले तो स्टेप वन मैं सी के अंदर अपना एक वैल्यू स्टोर कर दूंगा ए, ठीक है। अब मेरे सी के अंदर वैल्यू ए आ चुकी है, अब यहाँ लूप चलाएंगे इसके लिए बी के लिए, फॉर आई इन बी, बी में जितने वैल्यू आपके बी के लिए चलेगा, और यहाँ पे क्या चलाओगे आपके सी में, आप जैसे जैसे आपकी वैल्यू आएगी आई के अंदर उसको अब सी में आप प्लस करते जाओ, ये हमारा हो गया आउट। और जब हमारा पूरा लूप चल जाए तो लूप से बाहर आपको आना है और क्या करना है, रिटर्न आर ई टी, रिटर्न करना है क्या, आर ई, रिटर्न कर दोगे आप क्या सी, और जब सी रिटर्न कर दोगे यहाँ पे आप करना क्या है, अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट भेजनी है। जहां पर मैंने मान लिया एल आई, और एल आई के अंदर यहाँ पे पहला आर्गुमेंट मान लो कुछ भी हो, 34 हो, तो 34 जो फर्स्ट आपका पहले, 3 जो आपका पहला आर्गुमेंट है वो ए की वैल्यू है, लेकिन कॉमा के बाद जितने भी आप सेपरेटली वैल्यू पास करोगे सभी आपकी स्ट्रिक बी, मतलब आपकी बी के अंदर आपकी स्टोर होने वाली होगी। 3 इज द पहला आर्गुमेंट जो एज ए, तो पहला मैंने 3 5 कर दिया, देन 5 एंड देन 7, या मे बी फर्स्ट इज 3 एंड सेकंड 2, 5, 6, 7 एंड 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो ए है ए के अंदर वैल्यू क्या जाएगा 3, और बी के अंदर वैल्यू क्या जाएगा आपका 2, 3, 6, 7, 9 जाएगा। आप इसे कॉल करोगे तो प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। प्रिंट क्या करोगे आप, सम को, सम के अंदर आप क्या करोगे अपने आर्गुमेंट भेज दो, किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। जब अगर लिस्ट फॉर्म में सेंड करोगे तो क्या लिस्ट इसको समझ जाएगा, क्या लिस्ट इसको समझ जाएगा, आप लिस्ट को डायरेक्टली भेज दो तो उसको लिस्ट एक सिंगल आपस में। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं पूरे पहले लिस्ट को मैं सेंड कर देता हूँ, क्या डायरेक्टली मेरा लिस्ट यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, अपने टर्म क्लीन करो अब भेज के देखो, फंड आपको मिलेगा एरर। क्या एरर मिला, पूरी पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पर सी प्रिंट हो गई, क्योंकि सी के अंदर आपने ए पास कर दिया, ए बी को इसने ब्लैंक 0 मार लिया, बी को इसने ब्लैंक 0 मार लिया, बट यहाँ पे पूरी पूरी मेरी वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। ऐसे कैसे होता है, हमें सम के अंदर पास किया आर्गुमेंट। तो अब करना क्या है कि एक काम करो, यहाँ से जितने भी आपने एल आई के अंदर पास किया है उस पूरे को कॉपी करो और अपने इस वाले के अंदर जाकर भेज दो, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब देखना जब आप चलाओगे अब यहाँ वैल्यू क्या आपका होगा, सम हो गया 2। अब कैसे आया, पहले 3 गया सी के अंदर, पहले आर्गुमेंट ए फिक्स है सी के अंदर गया, बी के लिए आपका 2 से लेकर 9 तक सही वैल्यू चलेगी, उसके लिए हमने अंदर लूप चलाया है एक बार, फिर 2 आएगा 2 स्टोर होगा सी के अंदर, देन 5 आएगा 5 बी के अंदर स्टोर होते सी के अंदर गया, देन 6 फिर 6 से आपके लिए चला। तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू जो है स्टेप बाय स्टेप लूप चलेगा और आपके सी के अंदर आपके स्टोर जाएंगे। तो 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 6 = 16, 16 + 7 कितना आपको हो जाएगा 20 आपको हो जाएगा, 20 आपका 3 हो जाएगा, 23 + 9 कितना होता है 32। योर आंसर प्रॉपर आपका सम हो जाएगा जितने भी हमने लिस्ट के अंदर सेंड किया है। सो ये होते हैं। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल के लिए इस स्ट्रिक को हटा दूं और यहाँ पे मैं ए स्टार लगा दूं तो भी चलेगा आपका, बट यहाँ बी आपका अनडिफाइंड है, बी हटा दो। क्या आप एक स्ट्रिक को बी पास कर सकते हो,
ऐसा कभी नहीं। जब आपने ए स्टिक लगा दी, रिमेंस कि ए ने सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, स्टिक मतलब मल्टीपल वैल्यू को वो एक्सेप्ट करता है, फिर इसका बी का काम क्या है, बी बताएगा बी इज नॉट डिफाइंड योर एक्स्ट्रा पैरामीटर। यहाँ पे आप बी को जो है एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड आर्गुमेंट या एच आर्गुमेंट भी यहाँ पे आप इसको दे रहे हो, तो बी आपका काम नहीं करेगा और क्या देगा आपको, देगा एरर। ये भी आप देख के जाओ, तो ये बेसिकली लॉजिक है कि जब हम एक सिंगल स्ट्रिक आर्गुमेंट पास करते हो तो उस केस में आप मल्टी वैल्यू भी स्टोर कर पाओगे, दिस इज अ पॉइंट। क्या लिख रहे, इनवैलिड सिंटैक्स, ए स्ट्रिक लगाया बट आप बी नहीं लगा सकते, बिकॉज बी लगाओगे तो आपको देगा एरर। ठीक है, हाँ यहां से आप इसको हटा दो चलेगा, और यहां से इसको लगा, इसको कर दो, क्या कर दो, यहाँ प्लान के लिए जीरो पास कर दो, अब यहाँ पे आप ए पास कर दो, अब ठीक है ओके। यहाँ पे हमें पीछे लगाना था, यहाँ पे हमें पीछे लगाना था, हमने आ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर काम करेगा, आप फिर भी इसको यूज कर देगा तो भी आपको देगा एरर, आप फिर भी इसको यूज कर लोगे तो भी आपको देगा एरर, चाहे इसको पीछे लगाओ चाहे इसको आगे लगाओ। ठीक है, वैसे पीछे लगाना हमारा होता है आपका, अदरवाइज आपको देगा एरर। ठीक है, चलिए फिर एंड के लिए देखिए, बी जब होगा कि सम मिसिंग वन रिक्वायर कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट बी, केवल आप सिंगल आर्गुमेंट ही सेंड कर पाओगे, नॉट एक्स्ट्रा आर्गुमेंट। सो इस केस की वजह से आपको बी को आप रिलीज कर दो। क्या काम करते हैं ना, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, इसे कमेंट करते हैं, नीचे आके हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बी को आप हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ बी के लिए नहीं, ए हटा दो और इस वाले सी को कर दो आप जीरो फिलहाल के लिए, बाकी चीज चल रहे, तो वही सेम आपका मिलेगा आपको आउटपुट जो आउटपुट आपका पहले आया था। बट अब क्या है कि सारी वैल्यू आपकी ए के लिए चलेगी, ए के अंदर सारी आपकी वैल्यू रहेगी। ये काम करता है आपके, जब भी आप आर्गुमेंट डिफाइन करते हो तो उसके अंदर आप पीछे अगर एक स्ट्रिंग लगाते हो तो ये आपके होते हैं एनी, मतलब बहुत सारे मल्टीपल आपके हो सकते हैं। हाँ, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्या काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर अगर सिंगल ही पास करूंगा तो सिंगल के लिए ही काम करेगा, केवल आपका थ्री प्रिंट होगा, देखना। सो यहाँ पे चलाते हैं और यहाँ भी क्या आपका होगा, आपका आंसर केवल ओनली फॉर थ्री, क्योंकि थ्री आपने सिंगल आठ में पास किया है, थ्री आपकी वैल्यू जाएगी एक के अंदर, और एक से हमारा लूप चला तो सिंगल ही वैल्यू है तो ए वाला लूप चलेगा और वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, डायरेक्ट इज द रिटर्न सी, और सी का आंसर आपका आ जाएगा थ्री। सो ये आपके हो गए फाइनल आपके, जब भी आप एक सिंगल इस तरह से आप डबल स्टिक से क्या होता है वो भी मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, क्या हम फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ डिफाइन कर सकते हैं? यस, जरा मैं इसको भी आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ ये क्या लॉजिक है और इसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ से किया इसको, तो फिलहाल के लिए आप एक स्पेस दे दो ताकि इसको समझ जाए। ओके, देखो इस फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। इसके अंदर कंट्री नाम से मैंने डिफाइन कर दिया, मैं कंट्री नाम से मैं बाई डिफॉल्ट के लिए अपना इंडिया करता हूँ। ठीक है, और फंक्शन के अंदर क्या, आई एम फ्रॉम इंडिया। बट जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो जब आप मान लो कुछ और पास किया आपने तो ये कंट्री जो है इंडिया को रिप्लेस करके आपका स्टूडेंट हो जाएगा और फिर से इंडिया आ गया। यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो अमेरिका, ए एम ई आर आई सी ए। ठीक है, और कंट्री के फर्स्ट लेटर के आपका हमेशा होता है कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे जब फाइव फंक्शन को मैंने ब्लैंक कॉल किया है तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो आपने कंट्रीज का इंडिया डिफाइन किया हुआ है वही आपका रहेगा। तो ऐसे भी हम फंक्शन को अपने फंक्शन के अंदर हम एक कुछ बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉर्मल होता है उसके अंदर वैल्यू पास कर दें तो आपका एक्चुअल फॉर्मल दोनों ही बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो आपका है वो एक्चुअल और फॉर्मल दोनों का ही काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल और फॉर्मल दोनों के लिए काम कर रहा है। कॉल करोगे तो ब्लैंक के लिए भी कॉल कर लो विदाउट पासिंग द एनी एक्चुअल आर्गुमेंट और पासिंग द एक्चुअल आर्गुमेंट, तो पास जब करोगे तो उसको रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज वो जो ऑलरेडी आपका डिफाइन है उसको कर देगा। ये भी आपका बोस कॉन्सेप्ट है। आप एग्जांपल के लिए आप चाहते कुछ ऐसे फंक्शन हो जो पहले से डिफाइन हो, हम पास करें तो चले ना पास करें तो जो प्री डिफाइंड चल जाए, तो उस केस के लिए आप ये हमारा बेस्ट फंक्शन इसको आप यूज कर सकते हो। ये वाला कोर कॉन्सेप्ट को जरा मैं फिर से आपको चला के दिखाऊं तो आपका आंसर क्या आएगा, पहले आपका आएगा इंडिया बाय डिफॉल्ट था, नहीं हमने पहले हमने इसको रिप्लेस कर दिया, फिर आपका अमेरिका देन इंडिया देन ब्राजील। तो इस चार तरीके से हम ऐसे ही फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब डबल स्टिक का रोल क्या है, वहां पे हम की और पेयर वैल्यू को सेंड करते हैं, उसको मैं डिफाइन करने नीचे जा रहा हूँ। लेट्स मान लेता हूं मैं डेफ डेफ माई अंडरस्कोर फन है। अब इसके अंदर मैंने डबल स्टिक
पास किया। इसका मेन मोटिव क्या है, अब देखना ध्यान से। एक फंक्शन का नाम रखते हैं क्या, पर्सन, कहते हैं पर्सन, PERSON पर्सन। और इसके अंदर पहला आर्गुमेंट में मान लेता हूँ ए कॉमा बी जो आपका होगा वो डबल स्ट्रिक बी पास करूँ। डबल स्ट्रिक मतलब यहाँ भी आपकी मल्टीपल वैल्यू जाएगी, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आप की और वैल्यू के, यहाँ पे वैल्यू को आप एज आ एक्चुअल आर्गुमेंट भेजोगे, बट यहाँ पे जब सिंगल स्टिक किया था हमने तो ओनली हमने वैल्यू वैल्यू ही सेंड किया था। बस यही डिफरेंट आपका है डबल स्टिक और सिंगल स्टिक में। सिंगल स्टिक में ओनली आप वैल्यू सेंड करोगे, बट यहाँ पे आप की और वैल्यू दोनों को, मतलब की में आपने कुछ एक वेरिएबल डिफाइन किया इस कल्टू में ये, जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए ये क्या है आपका कंट्री वेरिएबल है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप वेरिएबल साथ में उसकी वैल्यू को भेज पाओगे, उस केस में आपका डबल स्टिक काम करता है। पहला का कॉलन और नीचे आके देखो रन करो। फिलहाल के लिए हम इस फंक्शन के पास कीवर्ड लेते हैं, डिफाइन किया ए बी के अंदर क्या होगा आपके मल्टीपल वेरिएबल के साथ में आपकी वैल्यू आएगी और ए आपका सिंगल ओनली हो जिसे जो आपको ओनली एक वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं इसका फंक्शन कॉल कराता हूं और दिखाता हूं क्या लॉजिक होगा। जैसे लाइक मैंने जब इस पर्सन को मैंने जब कॉल किया है तो पहला आपका ए जो है ए के अंदर आपका टैग जाएगा, बट इस बी में क्या जाएगा, एज में 34, फिर सिटी में जाएगा नोएडा, तो नोएडा का आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको सिंगल कोटेशन का राइट करना पड़ेगा। कॉमा मोबाइल के अंदर तो ये जो आपके हैं एज सिटी मोबाइल तीनों जो आपके हैं ये आपके बी के अंदर स्टोर होगी, और यहाँ पे जब कॉल करोगे तो बी स्टिक में आपका ये सारे वैल्यू जाएगा, यहाँ पे एज सिटी सभी कॉल कर पाओगे। अगर मुझे इन सभी वैल्यू को मुझे कॉल करना होगा इसके अंदर कैसे करोगे, अब वो देखो। फिलहाल के लिए मैं इस पास कीवर्ड को कमेंट करता हूं और जानी चाहो यहां पे क्या करोगे आप, पहले करो प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे अपना ए, ए क्या आपका होगा, ए आपने मान लो नाम, तो ठीक है ए नाम के लिए आपने ए पास किया ना, तो क्या करोगे आप यहां पे सीधा लिख दोगे माय नेम ना, या एफ लगाओ फॉर्मेट लिख दो माय, ठीक है नेम कर लिखा ए पास कर दो, ठीक है नेम आपका आ चुका है, माई नेम इज ये, माई नेम इज। बट जब बी में आपकी जो वैल्यू जाएगी एज सिटी मोबाइल, इसके लिए कैसे कॉल करोगे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखो। आप लगाया आपने फॉर्मेट, ठीक है आप कैसे करोगे, लिख दोगे यहाँ पे माई एज, एज इज, और एज इज तो इसके अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली बी को कॉल नहीं करा पाओगे, यहाँ पे बी को लगाना है और इसके अंदर आपको पास करने बी को क्या करोगे एज पास करोगे, तो अब बी में जो एज जाएगा उस एज के लिए आप कॉल करोगे तो ये वैल्यू आपकी कॉल हो पाएगी। लेट एग्जाम्पल मैं सभी को यहाँ से प्लेयर हटाया था, अभी मैं आपको बस केवल ओनली बताता हूँ कैसे ये आपका काम करेगा। बी के अंदर गए इन सबको हटाओ से प्लेयर के लिए, ठीक है चलिए अब चलना चाहिए पुली चलेगा भी और काम भी करेगा, ठीक है इस तरीके से इसे पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिमिलर हम क्या कर लेंगे अपने, हम सिमिलर अपने सिटी और मोबाइल के लिए भी कर लेंगे, ठीक है सिटी और फोन के लिए भी कॉपी, एज हो गया, एज हो गया, ये हो गया, ठीक है यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या सिटी, आपका एज हो चुका है, यहाँ पे सिटी कर देना और यहाँ पे कर देना आप मोबाइल, कॉपी करके पेस्ट कर दो। सो ये बेसिकली आप जब भी डबल स्टिक मतलब क्या क्या एज, तो एज जब कॉल करो तो इस बी के अंदर आपके बहुत सारे आपके वेरिएबल स्टोर हैं एज सिटी मोबाइल, इसलिए मैंने बी का एज कॉल किया, इट मीन्स बी का एज मतलब आपका एज वाला वेरिएबल कॉल होगा, बी का सिटी मतलब आपका सिटी वेरिएबल कॉल होगा, बी का आपका मोबाइल इट मीन्स मोबाइल वेरिएबल कॉल होगा। अब ये जब फाइल को आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे अभी स्टेप बाई स्टेप आपको मिलेगा आंसर। ये आपका काम होता है किसके लिए, जब आप डबल स्टिक लगाते हो किसी वेरिएबल के पे, देखो माई नेम इज टेक, टेक में स्पेस नहीं है, स्पेस दे दो कोई नहीं, फिर नोएडा, और सभी चीज आपकी आ रही है। सो ये आपके थे कोड कॉन्सेप्ट, आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से, ठीक है ये आ गया ना माय नेम इज, ये एज आपका 34 हो गया, नोएडा आ गया, ये आपका आ गया फोन नंबर। जरा हम फंक्शन की हेल्प से कैसे फिबोनाची सीरीज फाइंड करेंगे उसको भी हम देखते हैं, ताकि आपका फंक्शन का एक और आपका कोर कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है जितने आप वेरिएबल आर्गुमेंट पास करोगे, आप पहले जान लो कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, आप प्रोसेस को जनरलाइज करो और अंडरस्टैंड करो ये होती क्या है। देखो हमें स्टार्टिंग की ना दो नंबरों को हमें फिक्स करना पड़ता है, मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए कि स्टार्टिंग में नंबर जो 0 और 1 मेरा फिक्स है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट, इसको हमने ए अज्यूम किया और इस 1 को हमने बी अज्यूम किया, तो जो ए प्लस बी का वैल्यू आएगा वो वहां पे आपका आएगा नेक्स्ट, फिर आपका ये दोनों ऐड होकर आप क्या आएंगे 2, देन 1 प्लस 2 इज अ
थ्री एंड टू प्लस थ्री इज द फाइव एंड फाइव प्लस थ्री इज द एट। तो ये आपके होते हैं फिबोनाची सीरीज के। आपके ए और बी की वैल्यू को आगे ऐड करके स्टूडेंट बदलाओ और इस ए और बी की वैल्यू को आप स्वैप करके चेंज करो। इट मीन्स जो आपका ओवर वैल्यू ए था वो बी की वैल्यू हो जाए और जो बी था वो आपका नया आ जाए जो सम के अंदर आपकी वैल्यू है। तो इस कोड को बोलते हैं हम अपना क्या फिबोनाची सीरीज। तो फंक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे, बाय द वे इसको हमने कल तो डिस्कस किया था अपने लास्ट के लेक्चर में, बट यहां बात करें अपने फंक्शन की हेल्प से। डेफ फिर मान लेता हूं और इसके अंदर पास करो नम, इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग के दो नंबर को मुझे फिक्स करना। पहले तो मैंने मान लिया कि ए इज इक्वल मेरा क्या है, आप कुछ भी बोलो, हम यहां पे आज मान के चलते वन से। पहले मेरी फिबोनाची वन है, ठीक है, अगली मेरी क्या होगी बी इज इक्वल मेरी क्या होनी चाहिए थ्री होनी चाहिए, ठीक है। कहा गया एक सेकेंड कहा पहुंच गए, ठीक है, वन और टू, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, पहले हम अपने पी आर एन टी प्रिंट कर देंगे क्या इसको ए को, और सिमिलर हम पी आर एन टी प्रिंट कर देंगे अपने हम पी आर एंड प्रिंट कर देंगे बी को। मेरी ए वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे आप लूप चलाओगे इसके लिए जो आगे आपका चलेगा, जो वन प्लस टू को आगे सम करके जो वैल्यू आएगा। तो इसके लिए फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन किसके अंदर, फोर आई इन रेंज, रेंज मान लो या नंबर मान लो, नंबर तो हमने बाय डिफॉल्ट पास किया, तो फोर आई इन हमारे नंबर कि नंबर आपने क्या पास किया, जो भी मान लो यहाँ पर आपने सेवन पास किया था, आपको सेवन तक का आपको एक फिबोनाची सीरीज का आपको नंबर देगा, ठीक है। सेवन और रेंज स्टार्ट कहां से हो, क्योंकि आपने आई की वैल्यू को आपने वन कर दिया बी, तो स्टार्टिंग करो थ्री से और कहां तक करना है जो आपकी वैल्यू आपकी आएगी नम की, ठीक है। नम में आप सेवन चाहते हो, सेवन तक आपकी वैल्यू आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपने वन या टू को फिक्स कर दिया है कॉलन, ठीक है। सबसे पहले आपको सम के अंदर क्या करना है, सम के अंदर आपको अपने ए प्लस बी को आपको स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सम के अंदर आपको ए प्लस बी को आपको स्टोर करना है, ठीक है। सम में मैंने ए प्लस बी स्टोर कर दिया और ए में क्या स्टोर कर दूंगा बी को, और बी में मैं स्टोर कर दूंगा अपने सम को। बस यहां से मेरी वैल्यू ए और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट सिंपल। ए में मैंने क्या स्टोर कर दिया, जो मेरी पहले वैल्यू बी की थी वो ए में आ चुका है, और बी में कौन सी वैल्यू आएगी, जो आप वन प्लस ए प्लस टू को आप ऐड करके जो स्टोर करो सम के अंदर, सम में जो वैल्यू नेक्स्ट आपका बनेगा वो बी में हो जाएगा। ऐसे आपके स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। फाइनली यहाँ पे आपने हम सम को भी यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम अपने सम को भी यहाँ पे क्या करेंगे हम अब प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे आप सम को यहाँ पे पी आर एन डी प्रिंट कर दो, किसको सम को। अब जब चलाओगे इस प्रोग्राम को तो सारा ही कोड आपका चलेगा, एक से क्या हो रहा है सम, ठीक है। अब तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो अब हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट चलने के बाद आप इस लूप से बाहर आओगे फंक्शन के, और यहाँ पे आप कॉल करोगे इसको एफ आई फिव को, और फिव के अंदर आप क्या पास कर एफ आई फिव कहाँ तक आप पूछिए। एग्जाम्पल मुझे टेन तक चाहिए, तो आप स्टार्टिंग के वन से लेके टेन तक का आपको मिलेगा फिबोनाची सीरीज, अपना वन नंबर अगले से ऐड करके आपको नंबर देगा। सो जरा मैं अपने प्रोग्राम में आके यहाँ पे अपने पूरे कोड को टर्मिनल को क्लीन करूंगा और जरा मेरे से कम बड़ा और देखना ध्यान से, फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ पहले तो ये कहां से आ गया इसको सेट करो, ठीक है। वन फिर टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, और एट फाइव थर्टीन, थर्टीन एट ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट। तो इस तरीके से आपके ये आ गए फर्स्ट के टेन नंबरों का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आया। तो आप अगर नाइन आया है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे आप नम प्लस वन कर दो तो आपके लिए यहाँ पे टेन तक भी आ जाएगी, ठीक है। नम प्लस वन कर दो आपके लिए यहाँ पे टेन तक भी आ जाएगी, क्लीन करके अगेन चला लेना। सो वही अगेन से बस एक वैल्यू आपकी एक्स्ट्रा बचेगी, लास्ट आपके आगे 89। सो वन से लेकर टेन तक का फिबोनाची सीरीज क्या होगा, ये आपका बन गया सीरीज। जो हम अपने डेटा को किस तरह से एनालाइज करने तो हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, किस तरीके से आपका जब स्टैटिक पढ़ते हो तो वहां भी इस वाले कोड कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो, इसी को बोलते हैं अपना फिबोनाची सीरीज। मीन्स फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एड अनदर वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू अनदर वैल्यू एड अनदर वैल्यू, तो इस तरह से आपका चीजें बढ़ती जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने रिकर्सन वाले कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट इज द रिकर्सन और रिकर्सन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझते हैं देन बात करेंगे अपना आगे वाले प्रोग्राम के इंप्लीमेंट की, ठीक है। देखिए एक फंक्शन है कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर एक फंक्शन, वैसे तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कॉल तो करते ही हैं,
लेकिन जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे ना, इट इज कॉल रिकर्सन फंक्शन। और यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम किसका, फैक्टराइज सीरीज का। तो पहले मैं आपको बताऊं, रिकर्सन फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे कैसे कॉल करेगा, जरा मैं अगर इस वाले पूरे अपने इरेजर से यहां से इरेज करता हूं। मान के चलते हैं मेरा एक फंक्शन है डी एफ डेफ, और क्या इसका नाम फैक्ट नाम है, एफ ए सी टी फैक्ट नाम है। फैक्ट के नाम की वैल्यू आ गई एन, जितने का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, एन पास करोगे कॉलन, ठीक है। अब क्या चेक करोगे, अब इस फंक्शन के अंदर आके ही चेक करोगे एन, इफ अगर मेरी एन की वैल्यू क्या है, बराबर जीरो है, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो आर ए टी यू आर एंड वन वन, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो हमेशा आप जीरो फैक्टोरियल करके आपकी वैल्यू होगा वन होगा। यहाँ पे एल्स ऐसा नहीं है, तो एल्स एल्स में है क्या करोगे, एल्स में अपने इस वाले कोड कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करोगे। तो क्या करना है, एन इनटू फैक्ट एफ ए सी टी फैक्ट, अब ब्रैकेट के अंदर आपको एक ही वैल्यू का आपको करना है माइनस, पहले एन आएगा तो एन आया और एन में इंटू कर दो, क्या इंटू कर दो, जो फैक्टोरियल में आपने एन पास किया उसको आपने इस फंक्शन के अंदर भी, तो इस फंक्शन के अंदर ही मैंने क्या किया है, ये जो आपने फैक्ट को डिफाइन किया है, इस फंक्शन के अंदर ही आपने एक और फैक्ट सेम नाम के फंक्शन को आपने यूज किया है। दिस इज द रिकर्सन। रिकर्सन बोलती है कि अपने आप को कॉल करना, मतलब मैं रिकर्सिव हो गया भाई, मैं अपने आप को कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ, जब तक कॉल कर रहा हूँ जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होगी, इसी को हम बोलते हैं। लेकिन जब तक कॉल कब होगा, ये वाला फंक्शन पहले कॉल तो करानी पड़ी ना, तो इसे कॉल करने के लिए हम बाहर अपना फैक्ट को हम कॉल कराएंगे, इसी हम अपना फाइव पास करेंगे। अगर फाइव पास किया है तो फाइव का फैक्टर कितना आपका आता है 120 होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसको भी हम अपने रिकर्सन वाले कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके दे सकते हैं। तो जब मैं इसको देखता हूं, इसका मैं टाइम लिमिट टाइम क्या होता है हमारे रिकर्सन में, उसको भी हम जरा समझेंगे। तो पहले चला यहां से इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और चलते हैं अपने कोड पे, जहां पे कोड को समझेंगे। कमेंट तो ऑलरेडी कर दिया है, नीचे आ जाओ। पहले क्या करोगे आप, कैप बनाओगे, और क्या बनाया आपने, बनाया एफ ए सी टी फैक्ट, और इसके अंदर एन पास कर दो, एन मतलब नंबर आपका होगा, चेक करना कर दे इफ एन इसकल्डू क्या आपका है जीरो है, अगर ऐसा है तो आर ए टी रिटर्न कर दो, क्या आर ए टी यू आर रिटर्न कर दो आप क्या वन, सिंपल डेट आर ए टी यू रिटर्न कर दो आप वन, सिंपल डेट। ऐसा नहीं है, एल्स आके कॉलन, और यहाँ पे कोड कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करना। यहाँ पे अब हम अपना लॉजिक इनपुट करेंगे, क्या करेंगे हम कि फैक्ट को, सॉरी फैक्ट नहीं, आपका एन जो नंबर होगा उस एन में आप इंटू करो, क्या इंटू करो, अगेन से फैक्ट की वैल्यू में जाना, और एन में से आप एक माइनस कर देना, लेट्स सी ना, जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यू आपकी इंटू होता जाएगा। सो मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर फाइव लूंगा, ठीक है, और इस केस में क्या करोगे आप, पूरे अपने फैक्ट को आप इंटू कर दो, यहाँ पे आप स्टोर करना किसी वैल्यू में, यहाँ पे इसको स्टोर करना किसमें, रिजल्ट में आर ई एस, आर ई एस स्टोर कर देना, और यहाँ पे आके आपको फिर रिटर्न आर ई टी रिटर्न करना है, क्या आर ई एस, डेट सिंपल। और जब सारा काम चल जाए, इसके बाहर आके आपको यहाँ पे फंक्शन को मैम कॉल भी करना होगा, ठीक है। चलिए तो कॉल करेंगे एफ ए सी टी फैक्ट पास करते हैं, उसके नाम फाइव स्टोर करते हैं, जैसे फाइव गया सो क्या लॉजिक होगा, पहले समझो इसके अंदर फाइव गया, चेक करेगा नम के जीरो की कॉल नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, फाइव फाइव इंटू फाइव माइनस फोर हो गया, सॉरी फाइव माइनस वन हो गया फैक्ट के अंदर, फिर चलेगा फाइव इंटू फाइव माइनस वन, फिर जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा फोर इंटू फोर माइनस वन चलेगा, ठीक है, फिर चलेगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, फिर चलेगा आपका थ्री माइनस वन के लिए, बोलो चलेगा नहीं चलेगा, जब तक ये लॉजिक है, फिर चलेगा आपका फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू, यहाँ आपका आएगा टू, और यहाँ पे आपका आएगा टू माइनस वन, अभी भी जीरो के बराबर नहीं है, फिर चलेगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और क्या आपका आएगा पे वन माइनस वन मटेरियल। अब यहाँ पे फाइनली क्या आपका जीरो आ गया, और जैसे ही आपका जीरो आ गया तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी कैरी डन वन, यहाँ तक की वैल्यू जो भी आपकी होगी वो आपके इस रिजल्ट में आके स्टोर होगा,
फाइव इन टू फोर कितना 20, 10 से 60 आपका होता है 120। ये आपका आएगा फाइनली आपका आंसर किसका, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल लॉजिक जो आपका इस तरीके से ही चलता है। एक बार मैं अगर इस कोड को चलाऊं और आपको दिखाऊं कि क्या एक्चुअल मेरा आंसर 120 आ भी रहा है, आंसर कुछ भी नहीं क्योंकि हमने अभी रिटर्न किया है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न किया तो आपको इसको प्रिंट के अंदर ही स्टोर करोगे तभी आपको इसको मिलेगा आउटपुट। यसे नो, अभी हमने डिस्कस किया इस चीज को। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग कोड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर 120 आया और कोड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके थे रिकर्सन। इस तरीके से आप कोई भी रिकर्सन के मेथड को आप एनालाइज कर पाओगे। जब आगे हम इस पूरे पाइथन के कोर्स को कंप्लीट करने बाद हम कभी पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पाइथन बेसिक मैंने पढ़ाए हुए हैं कि आपके लीनियर सर्च क्या होता है, बबल सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है एंड व्हाट इज द सिलेक्शन। इन सब की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए, आप जाके यहाँ पे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हो। हैशिंग टेबल क्या होता है ना, हैशिंग कैसे करते हैं, हमसे अपना बाइनरी सर्च तो भी पढ़ानी है, वो तो पढ़ेंगे आपने। सो उस केस में हम पढ़ लेंगे कि इसके लिए आपको रिकर्सन का बहुत बड़ा कोर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। रिकर्सन कैसे काम करता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप करता है तो वो हम पढ़ेंगे आगे आपको। मैंने इस कोर्स में हमारा इसका कोई मैटर नहीं, ये हमारा है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के एडवांस कोर कॉन्सेप्ट की, बट यहाँ पे हम पढ़ना है पाइथन के बेसिक टू एडवांस कोर्स को। चलिए अब थोड़ा सा एक और बता दूँ कोर कॉन्सेप्ट, जरा अपने इसी वाले कोड में आना है। और फिलहाल के लिए मैं इसे तो कर दूं कमेंट और इसको भी कर दे कमेंट। अब क्या करेंगे, मुझे एक इंपोर्ट करना है एस वाई को, आई एम पी एट इंपोर्ट करूंगा मैं अपने एस वाई एस को। और इसकी हेल्प से मैं अपना रिकर्सन को एक लिमिट भी लगा सकता हूँ कि कब तक मेरी वैल्यू रिकर्सन चले। मान लो अगर मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेप, ठीक है, उसका मैंने बोल दिया आर ए पी बना दिया, ठीक है, और कॉलन आके मैंने इसको फिर से क्या किया प्रिंट करा दिया, प्रिंट कर दिया हेलो, प्रिंट कर दिया हेलो, और यहाँ पे आके हेलो के बाद मैंने फिर से आर एपी रिप कॉल कर दिया। अब सवाल है वैल्यू मेरी कब तक कॉल, जब मैं मेन रिप को कॉल करूंगा, जब मैं मेन रिप को कॉल करूंगा तो कब तक चलेगा, ये क्वेश्चन है मुझे ये बता दो। अब इसको जब एग्जीक्यूट कर चलाओगे ना तो ये आपका इनफाइनाइट टाइम चलेगा, चलेगा आपका, ये आपका चलेगा इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज लूप में आप देखो ये आपका लिमिट लगा हुआ है कोई। तो इसी केस, इस केस के लिए आपको अगर रिकर्सन को आपको लिमिट लगाना हो तो वहां पे हमें इंपोर्ट की हेल्प से मैं अपने इस वाले रिकर्सन को मैं लिमिट देखो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ये आपका कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा। जरा मैं और नीचे के दिखाऊं आपको, अब ध्यान से नोटिस करना, देखो ये आपका इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से क्लोज कर दो और यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करेंगे हम। यहाँ पे आपका एक फंक्शन है, क्या है, सिस्टम एस वाई एस सिस्टम डॉट सेट आर ई रिकर्सन लिमिट सिस्टम डॉट, जो इसका जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया इसके अंदर आपका एक और ऐप है सेट रिकर्सन लिमिट। और इसके अंदर क्या लिमिट है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरा ओनली 10 times चले। सो अब इस केस में आपका क्या आ गया, इस सिस्टम की हेल्प से आपका वैल्यू आपका हो चुका रिटर्न। अब यहाँ पे जब मैं एग्जाम्पल के लिए प्रिंट करूंगा पी आर एन टी प्रिंट, क्या प्रिंट करूंगा वो भी देखो आप, यहाँ पे हमने सेट किया है और यहाँ पे करेंगे हम सिस्टम डॉट गेट, यहाँ पे गेट रिकर्सन लिमिट को हम गेट करेंगे गेट आर ई, ठीक है, यहाँ गेट करेंगे, गेट में क्या पास कर दो, अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ दो और इसको जरा यहाँ से कर दो कमेंट, पहले कमेंट यहाँ कर दो। अब यही इसी पूरे कोड जो मल्टीपल टाइम आपका चल रहा था अब यहाँ पे वो एक लिमिट के हिसाब से चलेगा। सो यहाँ पे आप फिर से आप अपने टर्मिनल को ओपन करना, यहाँ से डायरेक्टली रन कर लो, ठीक है, और अगेन से एक नया टर्मिनल खोलते हैं बिकॉज हमने उसको क्लोज किया था। सो अगेन से टर्मिनल चलाएंगे और यहाँ पे जो हमारा करंट फाइल है उसी को हम चलाएंगे fun.py को, जिसके ऐप से जो आपका रिकर्सन है, जो आपका रिकर्सन का लिमिट चल रहा है उस लिमिट में क्या होगा कि अब यहाँ पे आपका लिमिट के अकॉर्डिंग चलेगा बिकॉज नॉट मोर देन। नीचे आओ, नीचे आओ, बाकी वाले सेल को आप काट दो, क्लोज कर दो ताकि इसका मैं कोड नहीं है। और अभी हमारा करंट फाइल कौन चल रहा है उसे देखो आप fun.py, तो क्या आ गया ओनली 10 आया, 10 क्या है बिकॉज आपने 10 आपने लिमिट लगाया था, यहाँ पे 10 चलेगा। अब यहाँ पे पास क्या करना चाहते हो, तो जितना आप लिमिट लगाओगे उतना अकॉर्डिंग आपका चलेगा। सो लेट्स एग्जांपल, अब मैं अगर इसे यहाँ से अनकमेंट करके चलाऊं तो क्या होगा देखना, अब मैं इसे अगर अनकमेंट करके चलाऊं तो क्या किस तरह चलेगा। सो 10 फिर हेलो हेलो आया और देखो यहाँ पे दे दिया आपको एरर की 1 time 2 time 3 time 4 time
फाइव टाइम सिक्स टाइम, जब हमने टेन लिमिट लगाया सिस्टम चला, उसके बाद उसने बोल दिया मोस्ट रिसेंट कॉल लेटेस्ट। सो इस समय इसने लाइन नंबर 86 में उन्होंने दे दिया एरर। क्या दे दिया एरर यहाँ पे, क्या पढ़ा है पढ़ो कि रिपीट, जो आपका रिपीट है उसका एक लिमिटेशन टाइम होता है, तो प्रीवियस लाइन रिपीट टू मोर टाइम्स, जो आपका प्रीवियस लिमिट है वो आपको ऑलरेडी दो बार रिपीट हो चुका है। सो डायरेक्ट रीजन यहाँ पे आपको एक एरर। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दू ग्लोबल, अभी हम पढ़ेंगे अगला हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या होगा, GLOB ग्लोबल का ही होगा। ग्लोबल आई मान लेता हूँ और उसको देखता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। ग्लोबल आई मान लेते हैं फिलहाल के लिए, आई इज इक्वल टू, और आई में क्या करते हैं यहाँ पे हम अपने आई में हम प्लस को हम एक इंक्रीमेंट करते हैं। सो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका परफेक्ट में चलेगा, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट बना के। सो देखो अभी भी 10 अब यहाँ पे आ गया, व्हाट इज दिस आई, यहाँ पे आप आई को आप एज अ आर्गुमेंट भेज दो, ठीक है, यहाँ पे आई को आप एज अ आर्गुमेंट भेज दो, यहाँ पे आई को आप एज अ आर्गुमेंट भेज दो, और यहाँ पे आई को आप एज अ भेज दो आर्गुमेंट, ठीक है। चलिए अब चलाना, तो आई का मतलब वो उस आई को अनडिफाइंड बता रहा है। अब ठीक है, अब क्या होगा देखना, ग्लोबल आई सिंटेक्स नेम आई इज ए पैरामीटर एंड ग्लोबल। सो इस केस में आप इसे ग्लोबल भी नहीं बना पाओगे। सो क्या पॉसिबिलिटी है, बेसिकली मैं बताने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ, जब आप रिकर्सन को आप एज अ यूज करते हो विदाउट एज अ कंडीशन, उस केस में क्या होता है कि आपको जब इसे चलाओगे ना, तो यहाँ पे आपको चलेगा इनफाइनाइट, बट यहाँ पे अगर सेट रिकर्सन हेल्प की चलाओगे तो इस केस में आपको, ये एग्जांपल में अगर इस पूरे कोड के अंदर ही मैं अपने फंक्शन चला दूं क्या होगा, लेट्स मैं हमारे रिपीट मैंने किया, तो मैं अगर इस वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके कट करके नीचे आ जाऊंगा, और नीचे आके मैं यहाँ पे कॉल करूंगा प्रिंट ना, और प्रिंट के अंदर क्या करेंगे हम सिस्टम डॉट सेट रिकर्सन के अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर जाके मैं अपना ये वाला पूरा फंक्शन को मैं यहाँ पे आके कर दूंगा कॉल, कट करके इसके अंदर आके कॉल कर दूंगा, ठीक है। क्या ऐसा भी काम करेगा, ये भी आप देखो, तो हम बात करते हैं आपसे आगे। सो पी वाई हेलो हेलो आया, अभी भी वही सेम क्वेश्चन आ रहा है रिपीट, एटलीस्ट आपके स्टार्टिंग के यही चलेगा, लेकिन उसके आपको दे रहा एरर, क्यों दे रहा है, बिकॉज यही तो कोर कॉन्सेप्ट है, जब आपने 10 पास किया तो कुछ स्पेसिफिक वे पे उसके यहाँ पे आगे वो चलता नहीं है, वहां पे आपको एरर थ्रो कर देता है। ये बेसिकली काम था आपका सेट रिकर्सन लिमिट्स का, इतने लिमिट्स तक आपकी वैल्यू चलनी चाहिए। जैसे आपका 10 के 10 के यहाँ पे हमारा 10 का अगर हाफ करते हैं 5, अब 5 के यहाँ पे चेक करोगे 2 टाइम आपका ऑलरेडी हो चुका है, 5 का हाफ करोगे तो 2.5, इट मीन्स कि आपके रिपीट जो है ऑलरेडी दो बार आपके रिपीट हो चुके हैं, उससे ज्यादा आपका रिपीट नहीं होगा। अगर 20 पास करोगे तो उसके डबल हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपकी चलती है, हाफ पे चलती है, ठीक है। बस ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट था कैसे हम लिमिट लगा सकते हैं, बाकी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या पर है कैसे इंप्लीमेंट करोगे आज को अंडरस्टैंड करोगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं अपने, क्या होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल और नॉन लोकल वेरिएबल, इसको समझते हैं, पार्ट करने करेंगे अपने आज पर एनोनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जरा मैं इसे अगर कमेंट कर दूं यहाँ पे, मैं अगर इसको अगर नीचे आके आर ई पी रिप लिख दूं, आप लोग माइंड में ही क्वेश्चन लगा रहेंगे, रिप लिख के कर दो और यहाँ पे क्या करो आप फिर वही से यहाँ लिख दो ग्लोबल GLOB ग्लोबल लिख दो आई को, और नीचे आके आपको आई को करना क्या है इंक्रीमेंट करना है, तो आई प्लस वन आई इसका प्लस वन कर देना। अब बाहर इस सिस्टम के फंक्शन के बाहर आके आपको यहाँ पे करना क्या है अपने आई को करना है इनिशियलाइज एज ए जीरो से। इस केस में क्या होता है अब इसको भी जरा अगर समझेंगे ना तो कहानी हमारी जो है वही लॉजिक आपकी निकलेगी। हेलो हेलो वही, सो बेसिकली काम करना वही है, चाहे आप रिकर्सन बोल रहे मैक्सिमम रिकर्सन डिपेंड, जरा मैं इसे पढ़ के भी दिखाऊं, देखो क्या लिखा है पढ़ो कि मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एग्जीक्यूट व्हाइल कॉलिंग ए पाइथन ऑब्जेक्ट। इस केस में आपका मैक्सिमम टाइम आपका वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और लिख कह रहे प्रीवियस लाइन रिपीट टू मोर टाइम्स, दो से ज्यादा आपको प्रीवियस लाइन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। सो दैट रीजन आगे वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए अब आपको एरर थ्रो कर रहा है। दैट माय सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज द नॉन लोकल वेरिएबल। सो एग्जांपल के लिए मैं एक वेरिएबल आई इज इक्वल टू मैंने 1 डिफाइन कर दिया। जब किसी फंक्शन से बाहर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो ना, वो आपका एज एक ग्लोबल GLOB ग्लोबल VAR वेरिएबल आपका काम करते हैं, VARI
ARIA वेरिएबल काम करेगा। क्या इस फंक्शन को ग्लोबल को हम अपने लोकल के लिए यूज करते हैं, तो डेप माई अंडरस्कोर फन, ठीक है, बनाया कौन लगाया। अब इसके अंदर में एक और वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने 5 को डिफाइन कर दिया और प्रिंट करता हूं 5 नॉट 5 ए, ठीक है। सो ये ए जो आपका जब किसी फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, दैट इज द लोकल वेरिएबल वेरिएबल। अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल भी लेने वाले होंगे। सो ये बाहर जब मान लो ये फंक्शन के बाहर आए थे, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहीं भी अपने प्रोग्राम में हम कहीं से भी एक्सेस कर पाते, बट जो आपका जो लोकल वेरिएबल है इसका स्कोप ओनली ओनली इन द ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही इसका स्कोप होता है, इससे बाहर इसका स्कोप नहीं था, बट इसको हम बना सकते हैं, वही हम आगे पढ़ेंगे। उसको हम बना सकते हैं, कैसे बनेंगे, वो हमारा लोकल नाम का आपका कीवर्ड है, नॉन लोकल आपका कीवर्ड है और आपका एक ग्लोबल कीवर्ड है। सो उसको जनरलाइज करने के लिए हम पढ़ रहे हैं लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल वेरिएबल। सो ये आई जो आपका है डेट इज द ग्लोबल, इसको केवल आप फंक्शन के बाहर कॉल करो। पहले मैं इस एग्जांपल को चलाऊंगा और मैं करता हूं प्रिंट, अपने आई को प्रिंट करूंगा और फिर यहां पे मैं अपने फंक्शन को भी कॉल करूंगा, ठीक है। और नीचे आके जरा अपना इस टर्मिनल वाले एग्जीक्यूट कोड को क्लीन करके आपकी प्रेस करते हैं, थोड़ा सा आपकी अप डाउन करते और इसकी आपको अब कर दो, सफिशियंट है। चलो प्रोग्राम को चला के देखो, बेसिकली क्या होगा, पहले आपका ए प्रिंट होगा देन 5। तो पहले आपका आई प्रिंट हुआ ना, आई कहां से प्रिंट हुआ, बाहर से। क्या मैं इस वाले पूरे आई को मैं अपने इनर फंक्शन के अंदर ही कॉल करा पाऊंगा, मैं लिखता हूं अभी, क्या लिखता हूं, एफ फॉर्मेट लिखता हूं, दिस इज इनर और इसको मैं डालता हूं, दिस इज इनर को डालता हूं करली ब्रैकेट, इसे डालता हूं मैं करली ब्रैकेट के अंदर, बस दैट सिंपल, ठीक है। और फिर इसका ए आपका चले गई, तो ए की वैल्यू 5 है तो ए वैल्यू 5 प्रिंट होगा, फिर इसका इनर। तो मैंने इस फंक्शन को मैंने अंदर भी, जो मेरे बाहर का ग्लोबल है उसको मैं इनर अपने फंक्शन के अंदर भी एज अ कॉल करा पाऊंगा आई। सो यहाँ पे अगर आप इसे चलाओगे तो अब यहाँ पे आपका पहले अब आपका आई भी आएगा। देखो पहले आई प्रिंट होगा 1, देन आपके फिर वैल्यू प्रिंट होगी 5 और फिर 1, दिस इज इनर 1 आ गया। क्या मैं इस ए को बाहर प्रिंट करा पाऊंगा, कॉपी करता हूं और कहीं भी प्रिंट कर लो, अब माई फंड से पहले माई फंड से बाहर डजंट मैटर, आप कहीं प्रिंट कर लो। अब देखा आपको एरर, क्योंकि आप लिख के आ रहा है कि प्रिंट ए नेम इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज जो आपका ए है वो आपका लोकल वेरिएबल है और इसको अपने आप ब्लॉक ऑफ फंक्शन के बाहर से आप कॉल नहीं करा पाओगे, इसलिए आप बोल रहे हैं अनडिफाइंड। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 3 होते हैं कीवर्ड्स, क्या लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल। तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे कोड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल। जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो उस चाहते यू वांट टू कि बाहर से कोई आपका वो वेरिएबल कॉल ना हो पाए तो उसको लोकली मानते हैं, लेकिन जब किसी फंक्शन से बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन किया उसको आप फंक्शन के अंदर से कॉल करो, फंक्शन के बाहर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, वो आपका काम करता है ग्लोबल वेरिएबल तरफ से। तो ये हमारे थे कोड कॉन्सेप्ट। देखिए अब मैं अगर ए इज इक्वल टू मैंने 5 लिखा ना, यहीं पे मैं अगर पहले ग्लोबल लिख दूं, GLO ग्लोबल ए लिख दूं, तो इस ए को आपने ग्लोबल बना दिया, तो है तो ये फंक्शन के अंदर, लेकिन इस ए से पहले अगर आपने लिखा ग्लोबल तो ए की वैल्यू 5 स्टोर कर, मींस अब ये फंक्शन आपका अगर बाहर से भी कॉल क्या हो पाएगा या नहीं आ पाएगा, इसको साथ समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के पॉइंट में। तो जब मैंने इस फंक्शन को जरा कॉल करके दिखाता हूं, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये फंक्शन ए आपका एज अ ग्लोबल लोकल है, क्या ये हमारा ग्लोबली बाहर से कॉल करा पाएंगे, चाहे बाहर हमें डिफाइन किया हो चाहे नहीं किया हो। देखो माय फंड लिखा, सो अभी इस केस में क्या होगा, ये आपका 5 आपका बाहर अब कॉल हो गया, क्योंकि इस ए को आपने एज अ ग्लोबल डिफाइन कर दिया, अब आपका ये ए जो है लोकल वेरिएबल नहीं रहा, क्योंकि आपका जरा मैं इस वाले पूरे कोड को पहले कॉपी करके यहां से ना इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, आगे आपके नोट्स के लिए आपको याद रहे, ठीक है, आगे से कर दो कमेंट, ठीक है, और नीचे आ जाओ, यहाँ समझो एक एग्जांपल, अब ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम, यह आपका जो है लोकल नहीं रहा, ठीक है, डिफाइन एज ए ग्लोबल, क्या कर देंगे हम, डिफाइन डिफाइन एज अ
ग्लोबल, GLOBA ग्लोबल। सो इस ए से पहले ग्लोबल इन मतलब कि अब आपका ए जो है ये आपका ग्लोबल है। अब इस ए को आप फंक्शन से बाहर भी अब कॉल कराओगे तो आपको एरर नहीं देगा, चाहे बाहर आपने डिफाइन किया हो चाहे नहीं किया होगा तो एरर देगा नहीं, नहीं किया होगा। इसका एडवांटेज क्या है, लेट्स अगर इस मान लो कि अगर मैंने इस फंक्शन को ए बाहर से डिफाइन किया है, बाहर से डिफाइन किया और इनर में मैंने कुछ चेंज किया, तो इसकी वैल्यू अब इनर के हिसाब से बाहर जाएगा ना कि आउटर के हिसाब से। अभी उसका भी एग्जांपल नीचे लूंगा, पहले इसे समझो। ए पॉइंट हुआ, फाइव पॉइंट हुआ, देन दिस पॉइंट अगेंस्ट आपका फाइव पॉइंट। ये हमारे थे कॉन्सेप्ट क्या कि ग्लोबल मतलब कि अब ए को आपने ग्लोबल बना दिया। ये हमारा था एक और एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं अभी लेने जा रहा हूँ, जरा नीचे आते हैं और जरा मैं एक और एग्जांपल बहुत सारे लेंगे अभी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहां जहां स्पेस एक्स्ट्रा कटा दो। मैंने क्या किया है, अपना सी इजकल टू वन डिफाइन किया है, डेफ एड नाम का आपका एक फंक्शन नेम है, यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, तो सी लगा दिया। तो सी जब लगाया ना तो बाहर तो इसका वन है, लेकिन बाहर से जब इसे कॉल करोगे तो क्या इसकी वैल्यू वन प्रिंट होगी। मैंने इसको बाहर डिफाइन किया है और इनर के अंदर इसको मैंने एज ए मान दिया ग्लोबल, तो अंदर में आप इस सी के अंदर कुछ भी चीजें चेंज करोगे और अगेन से जब बाहर इसे कॉल करोगे तो जब तक ये इनर में जो चेंज किया वही वैल्यू आपकी एक्चुअल में बाहर प्रिंट होगी, ना कि आपका बाहर आपका यहाँ पे वन प्रिंट होगा। मैं अगर इस फंक्शन को ऐड करने से पहले सी प्रिंट करूंगा और इस फंक्शन को मैं ऐड करने के बाद प्रिंट करूंगा, तो क्या आपका आएगा सी का आंसर वो देखना आप। सी यहां से ठीक है इंक्रीमेंट, इसको हैच को ना ऐसे कट करके यहां पे पेस्ट करो ताकि हमें हमारा कोड का लाइन थोड़ा कम हो जाए और दिख जाए प्रॉपर में। ठीक है अब हमें दिख जाना चाहिए, नीचे आ जाओ। ठीक है चलिए, सो पहला स्टेप सी इज इक्वल टू क्या वन है, डेप फंक्शन। जब मैं यहाँ पे सी, अभी फंक्शन यहाँ तक मेरा कॉल हो चुका है, जब मैं प्रिंट सी किया तो यहाँ पे प्रिंट सी का कॉल करूंगा क्या आंसर आएगा आपका वन आएगा, कि अब तक हमने फंक्शन कॉल नहीं किया तो बाहर आपका डिफाइन है वन आंसर आएगा। हाँ विदाउट डिफाइन किए जब इसे कॉल करोगे तो आपको देगा एरर, क्योंकि अब तक अभी मैं उसका भी एग्जांपल लूंगा। सी इज इक्वल टू वन लिया, कॉल कर रहे वैल्यू होगी, जब मैंने ऐड को कॉल किया, ऐड कॉल हुआ ग्लोबल सी हुआ, सी में आपका टू ऐड होगा मीन्स वन प्लस टू थ्री और प्रिंट सी, तो इस ऐड की वैल्यू क्या आएगी आपकी थ्री आएगी। और अगेन से जब प्रिंट सी करोगे तो अब सी की वैल्यू वन नहीं है, सी को आपने अपना ग्लोबल सी डिफाइन कर दिया, इट मीन्स सी में आपका टू ऐड होकर आपका सी आएगा, सो यहाँ भी आपका आंसर आपका थ्री आएगा। सो क्या आपका आंसर वन थ्री थ्री आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और हम चेक करते हैं क्या आंसर हमें देता है पाइथन प्रोग्राम। So definitely हमें आंसर वन और थ्री दी देगा। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे इस सी को मैंने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ सी को मैंने डिफाइन नहीं किया है और मैं इस एड करने से पहले इस सी को प्रिंट कर रहा हूं तो क्या देगा, देगा आपको देगा एरर। क्यों देगा एरर, बोलेगा अननोन डिफाइंड सी, पहले क्या लिख रहे हैं सी इज आर नॉट डिफाइंड, बिकॉज आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी तो उसको ग्लोबल बनाएगा और उसकी वैल्यू चेंज करेगा, आपने डिफाइन किया नहीं है। सो यहां से कमेंट करने के बाद अब कॉल करो तो ऐड की वैल्यू थ्री और थ्री आपका प्रॉपर एक्चुअल आंसर आएगा। सो ये होते हैं बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने, अभी भी दे रहा है वो एरर, बोल रहे नेम एरर सी इज नॉट डिफाइंड, क्या वैल्यू में चेंज कर रहे हो, वैल्यू में आप चेंज करो, चेंज करोगे तो बाहर से पहले आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना भाई, सी में आप सी, तो ये सी कहाँ है, इसी की वैल्यू को आपने स्टोर किया ही नहीं है। सो अगर मैं केवल डायरेक्टली टू रख दूं क्या आप काम करेगा, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था इस तरीके से ग्लोबल ए बनाया ए, तो क्या आप काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था उस तरीके से अभी वाला भी एग्जाम्पल आपका वहीं पे जाके बन के आपका आंसर दे देगा। दिस इज माई आंसर टू एंड टू, ठीक है होपफुली मैं सी की वैल्यू टू है, एड फंक्शन से कॉल हुआ टू आंसर बाहर से कॉल के प्रिंट आ गया। सो ये थे हमारे कोर कॉन्सेप्ट क्या ग्लोबल को डिफाइन करने का, अगर बाहर से भी है तो इनर ग्लोबल आ दो, बाहर डिफाइन नहीं किया है तो उसको इनर के अंदर बनाओ ग्लोबल, बाहर से उसको कर लो एक्सेस। ठीक है उम्मीद है कि समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, जरा आगे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा और बताओ क्या लॉजिक है। पहले डेप आउटर फंक्शन डिफाइन किया, लगाया कॉलन, इसके अंदर आए, हमने एक आउटर वेट डिफाइन किया 20, ठीक है तो एक्स बाहर क्या है ग्लोबल है, इस फंक्शन के अंदर आए और इसके अंदर हमने एक आउटर वेरिएबल डिफाइन किया 20, फिर हमने इसी आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया इनर और इनर फन नाम का बनाया वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने कर दिया 30, ठीक है। अब पी आर एन टी प्रिंट, स्पेलिंग गलत है, पी आर आई एन टी प्रिंट किया इनर फन,
इनर फंक्शन जब प्रिंट करोगे इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। फिर इस फंक्शन के बाहर मैंने आउटर वैल्यू प्रिंट किया, कितना आंसर आएगा आपका, 20 आएगा। अब फिर जब मैंने इनर को कॉल किया, अब प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे प्रिंट एक्स तो कॉल होगा, लेकिन ये प्रिंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो आपका ऑलरेडी बाहर डिफाइन है, क्योंकि इसको हमने अभी तक कहीं पे अंदर हमने ग्लोबल डिफाइन नहीं किया है। तो ये एक्स वैल्यू कितना आपका अगर 10 आ चुका है, और जब आउटर को कॉल करोगे तो वैल्यू पहले 10 प्रिंट होगा, आउटर कॉल हुआ इस आउटर वैल्यू 20 गया, फिर इनर कॉल होगा, इनर को हमने आउटर प्रिंट के पहले प्रिंट किया, मतलब वैल्यू मेरी 20 आएगी। तो 10 फिर आंसर 20, फिर आपका इनर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे फंक्शन का लूप जाएगा, इसके अंदर इनर डिफाइन है 30, तो 10 20 30 इस केस में आपका आएगा आंसर। कैसे आएगा ये, इसका आप टर्मिनल में इसका आउटपुट देखो, 10 20 और 30 आपका आंसर आएगा। क्यों आया, मैं बाहर 10 डिफाइन था, 10 प्रिंट हुआ, आउटर फंक्शन ने कॉल किया, गया आउटर वेयर 20 है, फिर इसके अंदर इसको आप तक कॉल तो नहीं किया ना, जब तक इसे कॉल नहीं करो कैसे होगा। तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन से बाहर आके प्रिंट किया मैंने आउटर अपना वेयर को 20 है, फिर कॉल किया इनर को, तो इनर जैसे कॉल हुआ तो आंसर आपका कितना 30 है। क्या मैं इसको अनडिफाइन किए बाहर कहीं अंदर कहीं भी मैं इसको यूज कर पाऊंगा, जी ऑफकोर्स। अब ये एक्स को मैं यहाँ पे ग्लोबल GLOBA ग्लोबल लिख दूंगा, ओनली ग्लोबल लिख दूंगा एक्स, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा क्या, एक्स ग्लोबल लिख दो 10। सो अब यहाँ पे इसको चलाओगे तो क्या कोई एरर देगा, या मेरे 10 की वैल्यू अभी मेरा प्रिंट होना चाहिए 10, क्या प्रिंट होना चाहिए देखो, ठीक है, नेम एरर लिख कह रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये जो बाहर आपने एड किया है इस एक्स को, वो समझ नहीं रहा कि आपका नेम एक्स क्या है, आपका अनडिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन को कॉल तो किया नहीं, कॉल करने से पहले आप प्रिंट एक्स लगा ना, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तो उस एक्स को ग्लोबल समझेगा ही नहीं। इसलिए जब तक आप किसी फंक्शन के अंदर आते ग्लोबल, तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ही आप इस एक्स को प्रिंट किया करें, ठीक है। अब करोगे ना, अब करोगे तो अब आपको एरर नहीं देगा, ये है कोड, अब आपको एरर तो नहीं देगा, ठीक है, क्लीन करना, अब प्रोग्राम को चला के देखना। अब यहाँ पे आपको इस केस में एरर क्या गया आंसर, अब 20 क्यों पहले आया, कि पहले आप 20 आउटर वैल्यू को पहले आप कॉल कर रहे हो, तो पहले 20 प्रिंट होगा, फिर आपका इनर फंक्शन चला 30 प्रिंट होगा, और इस फंक्शन को चल यहाँ पे कट करके आप इस इनर फंक्शन के यहाँ पे भी आके आप इसको डिफाइन करोगे, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करोगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर करते हो तो बाहर कॉल कर पाओगे ग्लोबल मान से, इनर के अंदर इनर काम करता है, इनर फंक्शन के अंदर आपका आउटर फंक्शन काम करता है, ठीक है। चला के देख लो, वही आपका आंसर आया कितना आएगा, 20 30 एंड 30। सो मुझे उम्मीद है अब आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करना समझ गए हो, कैसे ग्लोबल बनेगा, आपके फंक्शन के बाहर से स्कोप कैसे होगा, और इनर के अंदर बनाओगे तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना। अब बात करेंगे हम उसके लोकल और नॉन लोकल की। चलिए अब इस वाले प्रोग्राम का बताइए आउटपुट क्या आएगा, एक डेफ आउटर फंक्शन डिफाइन है जिसके अंदर नम नाम का वेरिएबल है जो एज ए लोकली काम कर रहा है, ठीक है, 20 है, और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन डेप इनर फंक्शन डिफाइन किया, जिसके अंदर अब मैंने जो लोकल वेरिएबल 20 बनाया था उसको मैंने अपने इनर फंक्शन के अंदर ग्लोबल नम डिफाइन किया, इसका मतलब इसको अब मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, डेट इज सिंपल, चाहे मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हो चाहे ना किया हो। अब लिखा भी है कि बिफोर कॉलिंग, लेकिन जब तक इसे कॉल नहीं करोगे तब तक ये आपका ग्लोबल नम 20 नहीं बन पाएगा। सो पहले कॉल करने से पहले मैंने किया तो क्या आंसर आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 20 ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन है। जब इसे कॉल किया क्या आएगा इनका आंसर, और कॉल करने के बाद आपका नम क्या बन गया, बन गया ग्लोबल, तो ग्लोबल वैल्यू आपका चेंज करते हो तो आपकी वैल्यू आपकी चेंज भी हो जाती है, अगर उसे आउटर से कॉल करते हो तो जब यहाँ पे कॉल करोगे तो नम क्या कितनी होगी, 25, क्योंकि इस करने के बाद आपने कहीं से भी 25 किया है, और फिर इसको फाइनली कॉल करोगे, और इसे कॉल करने के बाद फिर से आपने नम कॉल किया है तो नम क्यों कितना आना चाहिए वो भी देखना। सो यहाँ पे नीचे आओ और फाइल को एग्जीक्यूट करो, और आंसर मुझे आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर होपफुली आपको 10 20 25 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग ट्रू हो तो। कोई नहीं, हम चला कर देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है, क्या है 20, फिर आफ्टर कॉल इनर फंक्शन, इनर फंक्शन को कॉल करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, नम आ रहा है, और फिर बाहर 25। तो क्या लॉजिक यहाँ पे ये कि क्या इनर फंक्शन की हेल्प से क्या मैं आउटर फंक्शन की वैल्यू को कॉल नहीं करा पाऊंगा,
जब इनर को मैंने कॉल किया तो नम तो आपको 25 हो जाना चाहिए, जब इसे कॉल कर रहे नम को तो इसको कॉल तो कर रहे, लेकिन लेकिन क्या आपने अब तक ये बताया है इसको दिस इज द इस आउटर फंक्शन के अंदर आपका इनर है। तो जब आउटर कॉल कर रहे हो तो आपका नम 20 आपका प्रिंट हुआ, ठीक है, अभी ना प्रिंट हुआ, लेकिन अब इनर फंक्शन आपका कॉल हुआ, ये भी चला। अब जब ये चला तो आपके नम की वैल्यू कितना होगा, 20 के बाद आपका 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मेरी 25 प्रिंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनर फंक्शन कॉल तो हुआ, लेकिन इसके बाद जब इसे आपने कॉल किया तो अभी भी इसको वो एक एज आ आउटर फंक्शन की हेल्प से समझ रहा है, कि ये भी आपके किसी फंक्शन के अंदर ही है। तो इस केस में जब आप करते हो तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर दोनों 20 आ रहा है, इसका इसको अभी भी लोकली है और लोकली काम करता है। हाँ, इस पूरे फंक्शन के बाहर कॉल करो तो अब आपका 20 20 आपका कॉल होगा, ठीक है। ये हमारा थे इस एग्जाम्पल का हमारा मेन कॉन्सेप्ट और मेन मोटिव। फिर समझो, फंक्शन कॉल किया, अभी 4 कॉल 20 आया, 20 के बाद कॉल करना, इसे कॉल तो किया लेकिन इसका इसको अभी भी अगर लोकली है। स्कोप अभी भी क्या जा लोकली है, इसलिए यहां भी आपका कॉल करने के बाद भी आपका 20 काम, लेकिन जब इस फंक्शन के बाहर जहां पे मेन फंक्शन आपका हो रहा है कॉल, वहां के बाद कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 25। सो ये थे बेसिकली, जब किसी को लोकल बनाते हो ग्लोबल और उसके अंदर एक फंक्शन और होगा तो उस जैसे मैंने ऊपर में आपके एग्जांपल लिया नहीं वाला, यहाँ पर नॉर्मल से सिंपल एग्जांपल था, बाहर कॉल कर रहे आपका वैल्यू चेंज होकर आ रही थी, 10 था 30 के बदले आपको 10 आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ वैल्यू आपकी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन है वहाँ लोकल डिफाइन कर रहे हो और उसे बाहर से कॉल करोगे तभी तो वैल्यू आएगा, अंदर ही कर रहे हो तो उस केस में आपको आंसर वही सेम दे रहा है जो हमने किया हुआ है। ये थे हमारे एक और कोर कॉन्सेप्ट। चलिए अब जरा मैं अपने लोकल पे चलता हूँ और इसको कमेंट करके नीचा के अब डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जितने एग्जाम्पल लोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्लोबल, डेप कीवर्ड लिया है, ठीक है, यहाँ पे आके अप करना, और यहाँ पे मैंने एक को मैंने मान दिया ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लोकल है, लोकल की वैल्यू 20 मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने ग्लोबल 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 वेर को मैंने कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लोकल है ग्लोबल है, क्या कर रहे हैं प्रिंट ग्लोबल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, अब प्रिंट हम अपने लोकल वैर को भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों किस्म आपका, ठीक है, प्रिंट ग्लोबल वैर और लोकल वैर, इसको भी करो और इसको बनाओ ग्लोबल वैर, ठीक है। नहीं, ये हमारा ठीक था, ये हमारा यहाँ पे ग्लोबल ही रहेगा, ठीक है, चलिए रहने दीजिए फिलहाल के लिए। अब करने के बाद यहाँ से इतने वाले पार्ट को आपको करना है बैक स्लाइस, डेप्थ लगाना है, कॉलर लगानी है, यहाँ पर पेंसिल होता है। अब इसका मुझे आउटपुट आप लोग बता सकते हो क्या आएगा, कमेंट करके बताना चाहोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ग्लोबल वैल्यू 10 है, फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर मैंने लोकल वैल्यू बनाया, वेरिएबल नाम 20 स्टोर कर दिया, कहीं से वैसे कर सकते हैं ग्लोबल 20 कहीं से वैसे कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे, जब माई फंक्शन को कॉल करने से पहले जब ग्लोबल वैल्यू को कॉल करोगे तो आपका आंसर 10 आएगा, ये रियलिटी है। माई फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आपका लोकल वैल्यू और ग्लोबल दोनों को आपको चेंज आएगा। क्या यहाँ पे मैं अगर इस लोकल वैल्यू जो आपने लिखा है यहाँ पे मैं अगर इसको लोकल लिख दूं या ग्लोबल वैल्यू, ये आपका जो है जब ये फंक्शन को कॉल करने से पहले कॉल हुआ 10 आंसर आएगा, लेकिन जब यहाँ पे मैं इसको लोकल लिख दूं LOC लोकल, ठीक है, मैं इसे करता हूँ लोकल, ठीक है, यहाँ से इस ग्लोबल वैल्यू को आप यहाँ से ना आप लोकल ग्लोबल ना बनाओ, इसे हटा दो, ठीक है। बाहर आपका 10 था जो ग्लोबल है, फंक्शन कॉल हुआ ग्लोबल लोकल वेयर, ठीक है, 20 आ गया। अब मैंने इस ग्लोबल वेयर को मैंने अंदर बना दिया अपना लोकल वेयर, तो ग्लोबल 30 स्टोर किया, इट मीन्स प्रिंट ग्लोबल वेयर वैल्यू 30 होगी। जब बाहर इसे प्रिंट करोगे तो बाहर का आंसर होगा माई फंड के अंदर वैल्यू जो है आपका लोकल। तो इस केस में ग्लोबल वेयर की वैल्यू 30 जो है 30 केवल आपका इनर स्कोप के लिए काम करेगा, चलिए आउटर स्कोप से आप लोग ग्लोबल वेयर कॉल करोगे तो आपकी वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी, ना कि 30। क्यों नहीं 30 होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने इसको ग्लोबल डिफाइन नहीं किया। जब इसको हमने ग्लोबल डिफाइन किया तो कि आपका लोकल है और वो इनर फंक्शन के लिए वो लोकल के लिए ही काम कर रहा है। चला के देख लो क्या आपका आंसर है, पहले आपका आंसर 10 आया भाई बाहर था, अंदर गया ग्लोबल वेयर माई फंक्शन कॉल किया, माई फंड कॉल किया, माई फंड के अंदर कॉल करने वाले ग्लोबल प्रिंट किया, 30 स्टोर हुआ,
ठीक है। फिर इसने अपने प्रिंट ग्लोबल वाले को प्रिंट किया तो आपका देखो क्या आंसर आया, 10 आया, क्योंकि 10 क्या आपका यहाँ पे एज अ ग्लोबल बाहर से इनर के लिए नहीं कॉल कर रहा है, इनर में क्या आपका लोकल है। फिर जब मैंने लोकल वेयर कॉल किया तो आपका आंसर कितना आया, 20 आया। तो ये भी हमारा कोर कॉन्सेप्ट हो गया किसका, लोकल और ग्लोबल को अंडरस्टैंड करने का। एक और रह गया लास्ट नॉन लोकल, उसे पढ़ते थे आगे पढ़ने जा रहे हैं हम, व्हाट इज द एनोमियस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन और रिकर्शन फंक्शन। देखो नॉन लोकल क्या होता है, देखो लोकल समझ लिया हमने, हमने अब तक ग्लोबल समझ लिया, अब बात करेंगे नॉन लोकल। व्हाट इज द नॉन लोकल, नॉन लोकल एक ऐसा वेरिएबल होता है ना ही वो ग्लोबल है ना ही वो लोकल है, जब वो ग्लोबल भी नहीं है लोकल भी नहीं, मतलब दोनों का क्या हुआ रेफरेंस खत्म, तो आपका एक और थर्ड आपका आता है नॉन लोकल। और नॉन लोकल आपका एक कीवर्ड से, जैसे ग्लोबल आपका कीवर्ड था उस तरीके से आपका नॉन लोकल भी क्या आपका एक तरह से एक कीवर्ड से। डेप आउटर फंक्शन डिफाइन किया, एक मैसेज में मैंने लिख दिया लोकल, नेस्टेड फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया नॉन लोकल। सो नॉन लोकल मैसेज, तो अभी मैसेज क्या है यहाँ पे हमने नॉन लोकल डिफाइन कर दिया, अब मैसेज का नाम ने नॉन लोकल पास कर दिया, तो इनर फंक्शन के अंदर ही जब प्रिंट करूंगा मैसेज तो आपका नॉन लोकल प्रिंट हुआ, चल गया। अब फिर उसके बाद मैंने आउटर फंक्शन वाले मैसेज प्रिंट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा नॉन लोकल आएगा या लोकल आएगा, ये लोग मुझे आम बताओ कमेंट करके बताओगे। और जब इस फंक्शन आउटर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, मैसेज लोकल, तो इस केस में आपका आंसर क्या आता है, अब जरा आप लोग ये सेक्शन देख लेना कि क्या काम होता है नॉन लोकल का। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, जब मैंने अपने इनर फंक्शन के अंदर एक बना दिया ग्लोबल, तो ग्लोबल केवल क्या है ये अपने इस वाले फंक्शन के लिए है ना कि आउटर के लिए, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, अब मैंने बना दिया नॉन लोकल। जैसे ही मैंने नॉन लोकल बनाया तो नॉन लोकल ने क्या किया कि आपके इनर फंक्शन से हेल्प से आउटर फंक्शन के वेरिएबल को भी उसने अपना नॉन लोकल बना दिया, मीन्स नहीं वो ग्लोबल है नहीं वो लोकल है, वो आपका बन गया नॉन लोकल, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे जब प्रिंट कर रहे दोनों केस में आपका आंसर क्या रहा है, नॉन लोकल आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे क्या रहा था डिफरेंट आपका आंसर आ रहा था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर 20 और यहाँ पे आपका आंसर 20 ही आ रहा था, और कॉलिंग करने के बाद यहाँ पे 25 आ रहा था। सो मैं अगर क्या मैं अपने इस वाले प्रोग्राम को बाहर से चला पाऊंगा, आउटर फंक्शन के बाहर प्रिंट करा पाऊंगा, जैसे हम अपने ग्लोबल में प्रिंट करा पा रहे थे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी आपको एड थ्रो करो बिकॉज नेम, तो नॉन लोकल भी अपने आप में एक स्कोप होता है जिसका किसी फंक्शन को अंदर फंक्शन होता है ना उनको इस स्कोप को इंक्रीजिंग करने के लिए एक्सेस करने के लिए करते हैं, बट ना कि फंक्शन के जो मेन फंक्शन उसके फंक्शन बाहर आप नहीं कर पाओगे लोकल को और नॉन लोकल, बस केवल ग्लोबल को ही हम यूज कर पाते हैं, इस केस में आपको एरर देता है। सो मुझे उम्मीद है अब आपको लोकल नॉन लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है और क्या इसका मेन कहानी है। अब मैं आपको एक बेसिक सा कोर कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो हमारे अपने अन्य फंक्शन में नीड पड़ेगी, तो उससे पहले मैं अपने फंक्शन की हेल्प से आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान के चलते यहाँ पे हम फिलहाल के लिए भी कि एक डेप फंक्शन है, इसका नाम है माई फन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक ए आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है, नीचे आ जाओ कॉलन लगा कर विदाउट नॉट कॉलन। अब फिर से इसके अंदर मैंने डेप फंक्शन बनाया, इसका मैंने बना दिया इनर, आई डबल एन इनर बोल दिया, और इसके अंदर मैंने बी स्टोर कर दिया, और इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दूंगा आर ई रिटर्न, क्या करूंगा ए इंटू बी कर दूंगा, ठीक है, कर दिया। सो ये क्या है, ये आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, अब इस फंक्शन को जब कॉल करोगे आउटर से आके तो क्या होगा, अब देखना पहले मैंने क्या किया, आपने माई एक वैल्यू शो करता हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू शो करता हूँ रिजल्ट आर ये रिज, इसका लिखता हूँ माई फन। माई फन के अंदर जो आप आर्गुमेंट पास करोगे वो आपका इस ए के लिए गया, ठीक है, लेकिन इस बी के लिए अब तक आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ए कॉल हुआ किसके लिए, ए के लिए, ए कॉल हो चुका है, ठीक है, ए कॉल हो चुका है ए के लिए, आपकी वैल्यू आपकी सेम ही आ रही है, ए नहीं कॉल करना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 2 पास करता हूँ, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हमने लिखा है रिटर्न, तो यहाँ पे नीचे आके आपको पी आर एन टी प्रिंट करना है, क्या अपने पी आर एन टी प्रिंट करना है किसको, आर एस रिस को, और रिस के अंदर भी एक और आप पास करोगे आर्गुमेंट जो आपका एग्जाम्पल के लिए 3 होगा, तभी जो पहला आपने फंक्शन कॉल किया 2 हो गया,
फंक्शन का रिजल्ट के अंदर क्या रिजल्ट करना चेक करेगा एक और इनर फंक्शन जिसके अंदर आपके आर्गुमेंट बी है, तो बी के लिए मैंने फिर से जब इस वाले को मैंने कॉल किया तो एज ए मैंने फंक्शन कॉल किया है, इसके अंदर मैंने थ्री पास किया, तो टू गया आउटर के अंदर, थ्री गया इनर के अंदर, और टू इंटू थ्री कितना आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आपका आंसर सिक्स ही आएगा। सो बेसिकली ये थे हमारे कॉन्सेप्ट के कैसे हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बना के और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे। तो एरर अभी भी दे रहा है आपका नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये क्या है नॉन टाइप अभी आपका नॉट कॉलेबल है, व्हाट इज दिस और करना है कि यहाँ पे हमें अपने इनर फंक्शन को रिटर्न भी करना, R E T U R रिटर्न करना हमें, आई डबल इनर को हमें यहाँ पे रिटर्न भी करना है। ठीक है अब चलिए अब चलाओ प्रॉपर आपका आंसर आएगा। सो अगेन से फाइल को पहले हम लोग क्लीन करते हैं, चलाते हैं माई फन और क्या आंसर है सिक्स आ गया सिक्स। सो जब इसे कॉल कर रहे हैं तो रिटर्न, तो ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो आपको इस वाले फंक्शन को तो कॉल कर ही रहे हो, ये वाला फंक्शन तो कॉल हुआ लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया रिटर्न। और जब कॉल कर रहे हैं बाहर से एज आर्गुमेंट पास करने के लिए, तो पहला आर्गुमेंट यहाँ से पास किया, सेकेंड मैंने यहाँ से पास किया, बस इसको एज अ रिटर्न कर दे, रिटर्न आपका इनर में ए इंटू बी, आउटर में आपका आ गया इनर। सो यहाँ पे ए इंटू बी, अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो यहाँ पे ए माइनस बी कर लो, इससे आपको टू माइनस थ्री क्या आपका आंसर आएगा, माइनस का वन आंसर आएगा। तो आप समझ जाओगे कि क्या चो वही ए है और वही बी है, देखो ए आपका टू गया, टू में से थ्री कॉल आपका आंसर ओपनली माइनस वन ही आएगा। ठीक है अब क्लियर हो गया कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है और उसके अंदर आपके आर्गुमेंट है, तो कैसे उसको आप एज आर्गुमेंट बाहर से कॉल करोगे, तो उस केस में आपको इनर फंक्शन को अपने आउटर फंक्शन के अंदर रिटर्न करना है और बाहर से रिजल्ट के अंदर स्टोर करके पास के आर्गुमेंट, और जब इसे प्रिंट करोगे तो इसके अंदर आपको पास करना है एक बार आर्गुमेंट, बस डायरेक्ट सिंपल माई सिंपल से फंडा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। सो आगे मूव करते हैं, क्या आपका ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करो और उसका आंसर गेट कर लो, क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है? जरा पहले मैं इसको आप कोड को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात फिर मैं करूँगा, मैं ऐसे दो कोड खड़ा करूँ फिलहाल के लिए, या कमेंट कर दो मुझे इसकी नीड नहीं है, मेरा स्पेस हटाता हूँ यहाँ से भी स्पेस हटाओ, और आप देखो चलो नीचे आओ जरा अपने टमो थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब ठीक है चलो पूरा कोड दिख जाएगा, चलो सफिशियंट है, नीचे आके देखो। जब मैंने एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर नम वन क्या है आपका वन है, डेप्थ इनर फंक्शन और नॉन लोकल, जैसे आपने नम को आपने बना दिया नॉन लोकल, इस केस में इस कैलकुलेटर और इनर फंक्शन दोनों के लिए आपकी जो भी आपकी वैल्यू चेंज करोगे दोनों के लिए सेम ही अप्लाई होगा। अभी हम अप्लाई कर चुके हैं और रिटर्न किया, तो पहला ओल्ड कैलकुलेटर मैंने पास किया तो इनर के अंदर वन गया, आप इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है लेकिन बिना आर्गुमेंट पास किए बता रहा हूं, इनर के अंदर वन गया, कॉल किया, नम के अंदर टू स्टोर हुआ, रिटर्न कर दिया, और इनर फिर हमने अपने इनर फंक्शन को हमने रिटर्न कर दिया, जब कॉल किया कैलकुलेटर और फिर इस ओड को भी कॉल किया, तो क्या आंसर आएगा भाई, पहले आपका वैल्यू वन था, वन में आप पर टू एड हुआ, क्या आपका आंसर आएगा थ्री, तो इस केस में आपका आंसर होपफुली थ्री ही आनी चाहिए, चला के देखो क्या आंसर हमारा थ्री आ रहा है, यस ऑफकोर्स आपका आंसर थ्री आ रहा है। ठीक है ये भी कोड कॉन्सेप्ट कि अगर आपका नॉन लोकल है उसके हिसाब से फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसको कैसे हम कॉल करते हैं, वो आपका ये हो गया नॉन लोकल का मेन स्कोप। ठीक है चलिए सो अब तक मुझे उम्मीद है कि अब आपकी सारी कहानी लोकल ग्लोबल सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब थोड़ा मूव करने जा रहे हैं अपने हम एनोनियस फंक्शन को। सो एक प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम आपका शेयर करता हूँ और मुझे इसका आप बताओ आउटपुट, डेप एड सम, इसके अंदर एड भी होगा और माइनस भी होगा, कौन लगाओ, सी के अंदर मैंने प्लस स्टोर किया, डी के अंदर माइनस स्टोर किया, रिटर्न कर सी प्लस डी, जब बाहर से कॉल कराओगे तो इस केस में आपको पी आर एन टी प्रिंट, जितने आपने वेरिएबल रिटर्न किए उतने ही वेरिएबल आपको स्टोर करने हैं और उसके अंदर उसको ऐड करने हैं, तो आर ई एस यू एल टी रिजल्ट सी प्लस डी के कुछ गड़बड़ है क्या, लगता है गड़बड़ तो है, आर ई टी रिटर्न करना है हमें, आर ई टी यू आर रिटर्न करना है क्या, सी कॉमा डी। ठीक है चलिए तो आर वन में पहली वैल्यू जाएगी सी, आर टू में जाएगी डी, और एड सब के अंदर मैंने फाइव चीज छोड़ी, तो एस के अंदर फाइव, वाई के अंदर सिक्स, जब आर वन आर टू में गया तो प्रिंट करेंगे आर वन तो आपकी वैल्यू एड हो जाएगी, जब आर टू में करूंगा तो आपकी वैल्यू
माइनस हो गया जी। सो अब इस माइनस के लिए यहाँ पे आप कोड कौन से ब्लास्ट हो गया, अगर एस की वैल्यू बढ़ी है तो एस माइनस वाई करे, वाई की वैल्यू बढ़ी है तो वाई माइनस एस करे, उसको भी हम एज ए पॉजिटिव वैल्यू आंसर आने के लिए हम कर सकते हैं। पहले मैं जरा इस वाले का आंसर बताऊंगा तब मैं आपको नीचे बताऊंगा आंसर, ठीक है। जब आपने दो वेरिएबल रिटर्न किए हैं तो आपको दो के अंदर ही आपको इस फंक्शन को कॉल कराओगे और फिर प्रिंट कराओगे, तभी आपका दोनों के लिए आपका एक्चुअल वैल्यू आपका आएगा। तो एक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 11 और माइनस वन, पहला आपका आंसर आया 11, सेकेंड आपका माइनस वन। यहाँ पे अगर डेप्थ के लिए चाहते हो कि ऐसा ना हो तो पहले लगा लॉजिक लगा लो कि इफ इफ एस की वैल्यू मेरी बड़ी है वाई से तो क्या हो, डी के अंदर स्टोर कर दो क्या एक्स माइनस का वाई कर दो, अदरवाइज एल्स के अंदर आके आपको क्या करना है, डी के अंदर स्टोर करना है वाई माइनस का एक्स बस। फिर यहाँ पे आपको मुझे इसकी अमीर नहीं है, जो कॉल करोगे वही आपका होगा रिटर्न, या कमेंट कर दो ताकि हमें याद रहे कि क्या चीज चेंज किया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, किसके लिए माइनस के, प्लस के लिए तो चाहे उधर भी कर लो बड़ा, लेकिन माइनस के लिए में हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए माइनस करने के बाद तो ऐसा हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, टोटली आपका आंसर आएगा माइनस का वन आ गया। तो अब देख लो कुछ भी कर लो यहाँ पे, अब आपका आंसर जो है माइनस मिल जाएगा, 11 तो प्लस के लिए होगा, सेकंड आपका आर्गुमेंट जो आ रहा है वो आपका जा रहा है दोनों के माइनस के लिए। तो एस की वैल्यू बढ़ी है तो एक्स में से वाई माइनस करो, नहीं तो वाई में से एस, अगर एस की वैल्यू बढ़ी नहीं तो क्या वाई बढ़ा है तो वाई में से एस को माइनस करो और फाइनल इसको सी और डी को डन कर दो। ये हो गया, एक और एग्जाम्पल लूंगा, मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हम फंक्शन के अंदर सेंड कर रहे हैं और उस फंक्शन लिस्ट के अंदर से मालूम करना है कि कितने आपके इवन नंबर से हैं, कितने आपके ऑड नंबर जनरेट हैं। पहले तो मैं इसको चलाता हूं प्रोग्राम को, इसको नीचे कर दो फिलहाल के लिए। पहले देखो हमने डेप काउंट एलआई पास किया है और इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट एक ओड मैंने जीरो स्टोर कर दिया, ठीक है, मैंने ओड में जीरो स्टोर कर दिया है, साथ में मैं इवन इवन के अंदर मैं जीरो स्टोर करूंगा। तो स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है, जीरो और है। एलआई आएगा, एलआई कहां से आएगा, जब इस फंक्शन को बाहर से कॉल करेंगे, लूप चलाओगे फॉर आई एलआई, एलआई के एक एलिमेंट को उठाएगा और चेक करेगा इफ जो i आपका एक एक एलिमेंट लेट से उठा के चेक करेगा, अगर i डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मींस वो आपका जीव इवन के लिए काम कर रहा है, और इवन के लिए काम कर रहा है मतलब आप इवन में आप उसको प्लस कर दोगे, है ना, उसको इवन में आप उसको प्लस कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज आप else पार्ट के अंदर आके आपको क्या करना है, नहीं तो आपका अब else वाले में आपको ओड में आपको i प्लस करना है। आप i प्लस भी कर सकते हो या आप i को स्टोर भी कर सकते हो अपने एरे के अंदर, हमें पहले प्लस करते हैं फिर हम पार्टिकुलर वैल्यू को हम एरे के अंदर स्टोर भी कर लेंगे, जितने आपके एरे हैं उसको हम अपेंड फंक्शन के हेल्प से अपेंड कर लेंगे, ये मेरा i है तो इसके अंदर स्टोर हो जाए। फाइनली यहाँ पे आगे करना क्या है, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, आर ई टी यू आर, रिटर्न ओड एंड इवन आपका हो चुका है, ठीक है, रिटर्न आपका क्या हो गया, रिटर्न आपका फंक्शन के बाहर ही कॉल होगा, ठीक है, रिटर्न आपका फंक्शन के बाहर ही कॉल आपको होगा, कॉलन ऑड को बैक करो एंटर मारो और ठीक है, जहां जहां स्पेस है वहां वहां स्पेस दे दो, इतना जहां जहां स्पेस है वहां वहां इतना स्पेस दे दो बस, स्पेस का आपको मोस्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना, ठीक है, रिटर्न ओड इवन आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, हम जब इस काउंट को हम कॉल कराएंगे तो काउंट को कॉल कराने के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न में क्या करोगे, ऑड इवन आएगा ना, तो ऑड इवन को आप प्रिंट भी तो करोगे। पहले मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलआई बनाता हूँ और इस एलआई के अंदर जाके मैं समथिंग लाइक मैं कुछ वैल्यू को स्टोर करता हूँ जो मेरा इवन भी हो और मेरा ऑड भी हो, जहां पर मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, सफिशियंट है। चलिए अब प्रिंट तो कराना नहीं है, वहां पर मैंने लिखा है रिटर्न। तो जितने आपने वैल्यू को रिटर्न किया उतनी वैल्यू आप क्या करो, कॉल कराओगे, तो एक आपका हो गया ऑड, एक आपका हो गया इवन, ऑड इवन इज इक्वल टू जब कॉल कराओगे सी एंड डी काउंट, काउंट के अंदर क्या पास करना है आपको, क्या पास करनी है आपको अपने एल आई को, ठीक है, काउंट एल आई काउंट हुआ और ऑड इवन के अंदर स्टोर हुआ, अब इस ऑड इवन के अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी उसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या प्रिंट करोगे, पहला आपका हो जाएगा ऑड नंबर के लिए, है ना, पहला आपका हो गया ऑड के लिए,
दूसरा आपका हो जाएगा इवन के लिए, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट में बना लेना। पहले इसका सम होगा इवन और ऑड का, जितने भी इसमें इवन नंबर होगी उसका आप चाहते पहले काउंट करना, तो क्या करो इसको ऐसे ना बना के आप डायरेक्टली इसको एक एरे बना दो, ठीक है, आप इसको एक एरे सिंपल से ब्लैंक एरे बना दो बस। ऑड के अंदर एरे ब्लैंक है, इवन के अंदर आपका एरे ब्लैंक है, और यहाँ पे आपको इवन के अंदर आपको ना क्या करना है, आपको अपेंड करना है। तो इवन में अपेंड कैसे करते हैं, देखो इवन आपका एक एरे मतलब ना, तो इवन डॉट a डबल p इन अपेंड के अंदर आप अपेंड के अंदर आप i को स्टोर कर दो, दैट सिंपल। अपेंड आपका एक मेथड है, सो अपेंड के अंदर आप इसको i को स्टोर कर दो, तो इवन के अंदर i स्टोर हो गया। अदरवाइज ऑड ऑड डॉट a डबल p इन अपेंड के अंदर आप यहाँ पे i स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट लिखनी है, ठीक है, list लिस्ट यहाँ भी लिख दो और list लिस्ट यहाँ भी लिख दो, ठीक है, आप वो समझ जाएगा कि मेरा लिस्ट है, ठीक है। ये हमारा पाइथन है ना कि अदर प्रोग्रामिंग, पाइथन का अपेंड के अंदर ही क्या करते हैं, अपेंड के अंदर मुझे आई करना है, यहीं पर लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। सो इस तरीके से होता है, यहाँ पे आके अंदर लिख देना क्या, यहाँ लिख देना अंदर में आके लिख देना क्या, दिस इज यहाँ पे आई। सो जितने आपके होंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉपर करो प्रिंट, यहाँ पे आप बी को जो है एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट आर्गुमेंट या एच आर्गुमेंट यहाँ पे आप इसको भेज दो, तो बी आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा और क्या देगा आपको, देगा एरर, ये भी आप देख के जाओ। तो ये बेसिकली लॉजिक है कि जब हम एक सिंगल स्ट्रिक आर्गुमेंट पास करते हो तो उस केस में आप मल्टी वैल्यू भी स्टोर कर पाओगे, दिस इज अ पॉइंट। क्या लिख रहे हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, ए स्ट्रिक लगाया बट आप कॉमा बी नहीं लगा सकते, बिकॉज बी लगाओगे तो आपको देगा एरर, ठीक है। हाँ, यहां से आप इसको हटा दो चलेगा, और यहां से इसको इसको कर दो, क्या कर दो, यहाँ प्लान के लिए जीरो पास कर दो, अब यहाँ पे आप ए पास कर दो, अब ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें पीछे लगाना था, यहाँ पे हमें पीछे लगाना था, हमने आगे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर काम करेगा, आप फिर भी इसको यूज कर देगा तो भी आपको देगा एरर, आप फिर भी इसको यूज कर लोगे तो भी आपको देगा एरर, चाहे इसको पीछे लगाओ चाहे इसको आगे लगाओ, ठीक है। वैसे पीछे लगाना हमारा होता है आपको, अदरवाइज आपको देगा एरर, ठीक है। चलिए फिर एंड के लिए देखिए, बी जब रहेगा कि सम मिसिंग वन रिक्वायर कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट बी, केवल आप सिंगल आर्गुमेंट ही सेंड कर पाओगे, नॉट एक्स्ट्रा आर्गुमेंट। सो इस केस की वजह से आपको बी को आप रिलीज कर दो, या एक काम करते हैं ना, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, इसे कमेंट करते हैं, नीचे आके हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बी को आप हटा दीजिए, ठीक है, या बी के लिए नहीं ए हटा दो और इस वाले सी को कर दो आप जीरो फिलहाल के लिए, बाकी चीज चल रहे, तो वही सेम आपका मिलेगा आपको आउटपुट जो आउटपुट आपका पहले आया था। बट अब वो क्या है कि सारी वैल्यू आपकी एक के लिए चलेगी, एक के अंदर सारी आपकी वैल्यू रहेगी। ये काम करता है आपके, जब भी आप आर्गुमेंट डिफाइन करते हो तो उसके अंदर आप पीछे अगर एक स्ट्रिंग लगाते हो तो ये आपके होते हैं एनी, मतलब बहुत सारे मल्टीपल आपके हो सकते हैं। हाँ, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्या काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर का सिंगल ही पास करूंगा तो सिंगल के लिए ही काम करेगा, केवल आपका थ्री प्रिंट होगा, देखना। प्रैक्टिस करना, जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे जाओगे, और जैसे जैसे इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा वो चीज हमने पढ़ी थी, अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं, थोड़ा बोल रहा हूं, तो अपने नोट उठाओ या ऑनलाइन जो आपके होते हैं इसके ऑफिशियल से वहां पर चीज देखिए क्या चीजें हैं। बट आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा ना वो यहीं से होगा, कैसे करना है यहां से करोगे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में है, आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अपना कैसे लॉजिक बिल्ड करोगे, सभी का लॉजिक आपका डिपेंड है। तो इतने आपके जो ऑड नंबर थे ऑड के अंदर स्टोर हुए, इतने आपके इवन नंबर थे इवन के अंदर स्टोर हुए। इसे काउंट करना चाहो तो काउंट बता देगा फाइव आपकी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली काउंट के हेल्प से आप ओनली काउंट भी कर पाओगे। वो हमारे पर है काउंट के हेल्प से हम आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। लाइक एग्जाम्पल मुझे काउंट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना एक और एक सेकेंड, मुझे अगर यहाँ काउंट भी करना हो तो यहाँ पे मैं काउंट भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके अंदर आके बना दो वेरिएबल, दो ए बनाता हूँ, ए इज इक्वल टू बनाता हूँ जीरो, ठीक है, कॉलन बी इज इक्वल टू बनाता हूँ जीरो, ठीक है। चलिए तो अब ए भी जीरो है, जब काउंट होगा तो अगर यहाँ पे ए अगर आप इवन नंबर है तो ए को कर दो प्लस, प्लस कर दो, यहाँ प्लस नहीं काम करता, ए को प्लस कर दो। अदरवाइज अगर बी है आपका मतलब ऑड नंबर है तो बी को आप कर दो क्या प्लस, एक से आप कर दो इंक्रीमेंट। तो अब यहाँ पे फाइनली अगर ऑड साथ में आप ऑड के साथ में आप अगर प्रिंट करोगे क्या पी आर एन टी प्रिंट, क्या करोगे ए, और प्लीज पूरे कोड कॉपी करना
अब प्रिंट कर देना बी कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ इवन और प्रेजेंट है, वो भी आपको काउंट करके देगा। बस उनको आप सम भी करा पाओगे, सम के लिए भी करना क्या है राइट, यहाँ पे यहाँ पे अपेंड करने के बजाय राइट इसको सम कर देना बस। राइट इज सिंपल, इंप्लीमेंट करना आपके ऊपर है कैसे। माय फ्रेंड को क्या लिखा है, फोर आपके 1 2 3 4 5 6 ये किसके ऑड के लिए है, तो पहले ऑड के लिए करना चाहिए उल्टा कर दिया, तो फोर आपके ऑड के लिए, बी आपका आ रहा है हमने इसे उल्टा कर दिया। एक काम करते हैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ए कर देते हैं ठीक है। चलिए जब तक चीजें समझ में नहीं आए ना प्रैक्टिस करते रहो और समझते रहो। अब चला के देख लो माय फंड को, होपफुली आपका आंसर ये है, इतने नंबर आपके ऑड हैं, इतने नंबर आपके इवन है। ये आपके इवन और ऑड नंबर काउंट का तरीका किसके हेल्प से, फंक्शन। लोकल समझ लिया, ग्लोबल समझ लिया, अननोन लोकल समझ लिया। अब हम मूव कर रहे हैं अपने हम एनोनियस फंक्शन पे, जहाँ पे कैसे हम अपने एनोनियस फंक्शन बनाएंगे वहां पर चीज समझेंगे। चलिए आप समझने जा रहे हैं अपना व्हाट इज माय एनोनियस फंक्शन। अब एनोनियस फंक्शन समझने का सिंपल से कौन सा है कि विदाउट नेमिंग फंक्शन इज कॉल्ड एनोनियस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नेम नहीं है, अब तक जितने भी हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं सभी का आपने इसका नाम ऐड फंक्शन दिया, अभी जो हमने नाम दिया काउंट फंक्शन दिया, जितने भी फंक्शन डिफाइन किया सबका हमने नाम दिया है कि नहीं है। सभी फंक्शनों का हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, चाहे नाम कुछ भी हो लेकिन नाम दिया। लेकिन बट अगर इस फंक्शन का नाम ना हो तो उस केस में वो फंक्शन आपका एनोनियस फंक्शन कहलाता है, जिसको हम अपने लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल्सो लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट, ये भी आपके मल्टीपल आर्गूमेंट लेता है, लेकिन उसका जो होगा एक्सप्रेशन, उसका कैन एक्सप्रेशन जो आपका होता है वो आपका सिंगल ही होता है, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन का एक सिंगल ही आपका होता है एक्सप्रेशन। ए कोमा बी पास किया, लैम्डा एस के अंदर स्टोर किया, जो एस को कॉल कराया तो फाइव सी स्टोर किया, फाइव सी स्टोर किया, फाइव गया ए के अंदर। अभी मैं इसको एग्जाम्पल लूंगा तो आपकी कोर कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लूंगा, ये वाला एग्जाम्पल क्यों लूंगा कि इसका मैंने ऑलरेडी फंक्शन, अब यहाँ पे मैं नया फाइल बनाऊंगा। या एक काम करते हैं इसको यहां से करते हैं कमेंट, क्योंकि हमारे मोड्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमारी अब क्लियर हो चुकी किस तरीके से आपका चीजें काम करता है, कैसे फंक्शन काम करता है। डायरेक्टली मूव करने जा रहे हैं अपना हम एनोनियस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन और फिल्टराइज फंक्शन। पेस्ट करो, नीचे आओ और इसको बैक करो। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल बनाया है, आपको सर ये तो आपका नॉर्मल फंक्शन है, आपका आपको ये तो वही फंक्शन है। पहले देखो कि एक फंक्शन है माय फंड, इसका नाम दे, लेकिन इसके अंदर जो मैंने एक फंक्शन बनाया है लैम्डा फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है, बस एक एक आर्गुमेंट पास किया ए, और इस ए के बाद कॉलन लगाओगे, कॉलन के बाद ही आप उस पर कोई एक्सप्रेशन करा पाओगे, कोई चीज़ वैल्यू प्रिंट करा पाओगे, वो आपके कॉलन के बाद ही होता है। कॉलन से पहले लैम्डा, फिर उस जो आप पास करना चाहते हो वो, ठीक है, फिर कॉलन के बाद जो भी करना, तो ए में बी एन से, तो एन का आएगा जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल किया टू गया एन के अंदर, बट जब इस वाले को भी कॉल करोगे तो इसके अंदर तो आपका एक आर्गुमेंट है जो लैम्डा के लिए काम कर रहा है। इट मीन्स 11 जो फंक्शन आपका वो लैम्डा वेरिएबल के लिए है और 2 आपका जो है माई फंड के लिए है। तो प्रिंट माई डबल को कॉल किया, जब माई डबल कॉल किया कोई इसका नाम नहीं, 1190 स्टोर कर दिया, ये आपका हो गया एनोनियस फंक्शन। विदाउट नेमिंग अ फंक्शन इज कॉल एनोनियस फंक्शन। आंसर कितना आएगा, 2 × 11 आंसर आपका आएगा 22। आप कैसे लॉजिक लाओगे, तो पहले प्लस इंटू देता हूँ, फिर दिखाऊंगा माइनस के लिए, कि माइनस के लिए दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कौन सी वैल्यू आपकी ए की है और कौन सी वैल्यू आपकी एन है, वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको करता हूँ क्लीन, अगेन करेंगे रन और देखो आंसर कितना आया, 22 आया। चलिए लेट्स मान के चलते हैं यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या माइनस है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 में से 11 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 9। दिस इज माई फाइनल आंसर, ओके 9 नहीं प्लस में आया, ऐसे कह सकते हैं। ए आपका 11 है, ऑफकोर्स ए आपका 11 है, तो पहले आपका ए तो है, पहले आपका ए तो है, तो ये काम करो ना, यहाँ पे पहला आपका ए है तो इस ए को बाद में लिख दो, एन माइनस का ए लिख दो, चलेगा अब एन माइनस का ए लिख दो, ठीक है। और अब देखो दैट इज आंसर इज द माइनस का 9। सो ये है कोर कॉन्सेप्ट कि एन आपका मेन फंक्शन वाला है। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया लैम्डा, लेकिन लैम्डा फंक्शन के अंदर आप लैम्डा फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये मेरा क्या, क्योंकि लैम्डा फंक्शन बोलता है टेक कैन ओनली वन
स्टेटमेंट वन एक्सप्रेशन वो केवल एक ही एक्सप्रेशन लेता है, लैम्डा फंक्शन कैन टेक ओनली हैव अ वन एक्सप्रेशन, वो मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं लेता, इसलिए एक आउटर फंक्शन बनाओ उसके अंदर लैम्डा फंक्शन बना दो। चेक किया, अब ये देखो एक और बेसिस कोड एग्जांपल आपका ऐसा हो जाता है। इन सबका लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस लैम्डा फंक्शन का काम क्या है, वो आपको एनोनियस फंक्शन डिफाइन कर देता है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं और जरा मैं इसको पेश करते हैं। और लैम्डा एक्स इक्वल टू, मतलब एक फंक्शन बनाया लैम्डा, इसके दो आपके हैं ए इंटू बी, दो आपके हैं पैरामीटर। ठीक है, और कॉलन के बाद क्या होगा, आपका होगा एक्सप्रेशन जो आपका काम कर रहा है पैरामीटर, देखो बता भी रहा है। तो ए इंटू बी, और तो इसको मैंने एस के अंदर स्टोर किया है, तो जब एस को जब कॉल कराओगे, तो एस को जब कॉल कराओगे तो भाई कॉमन से लैम्डा फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ना कॉल करने के लिए, तो एस के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, और इस एस के अंदर मैंने 5.6 पास करेंगे तो एक्स समझ आएगा मैं लैम्डा फंक्शन को मैं अपने अंदर स्टोर किया, तो मेरे मुझे दो आर्गुमेंट डिफाइन करके मुझे कॉल कराओ, तब मैं लैम्डा फंक्शन को भेज पाऊंगा, ए की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 5, बी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 6। तो 5 के अंदर ए के अंदर 5 गया, बी के अंदर आपका 6 स्टोर हुआ, दैट इज ए इंटू बी, आप इंटू समझोगे नहीं माइनस कर दो, सो 5-6 कितना आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा होपफुली माइनस का 1। फिर आप माइनस के लिए पहले समझ तो लो कि ए की वैल्यू एक्चुअली वही है कि नहीं है, हमें पता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, माइनस बनाया, चलिए अब इंटू कर लो, आप यहाँ पे इंटू कर लो। ठीक है, तो ए इज 5, बी इज 6, तो 5 6 कितना आपका आंसर आएगा, 30 आएगा। क्या तरीके से आप समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन की हेल्प से हम अपने फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। सो फिल्टर फंक्शन यूज करने के लिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने एरे लिया है जिसके अंदर 1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12 कॉमा में 70 स्टोर कर दिया है एंड और मैं 23। सो ये मेरे पास कुछ वैल्यू है जो ऑलरेडी माय अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर स्टोर है। ठीक है माय डियर, चलिए सो अब मुझे अप्लाई करना है कि यहाँ से ऐसी वैल्यू न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर करो जो आपके 2 से डिविजिबल, इट मीन्स वो आपके ओनली ओनली फॉर इवन नंबर। सो पॉसिबिलिटी है, लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, इसका लो क्या होगा, वही आपका होगा एल ए एम लैम्डा कॉलन, पर लैम्डा पे क्या पर आप ए पास करोगे, ए कॉलन क्या करोगे, ए मॉडुलर 2, इसका लो क्या 0 आ जाए, तो ये मेरा बेसिकली क्या आपका हो गया एक्सप्रेशन हो गया। अगर ये लैम्डा ए में वैल्यू गया, तो ए में आपका वैल्यू आएगा, ए में वैल्यू आपके ना के यहाँ पे वैल्यू क्या आपके आएगा, लूप हमें चलानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे हम तो एक सिंगल वैल्यू को ऐसे कर, बट हमें तो इन सभी वैल्यू को पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप क्या आता है एक फिल्टर फंक्शन एफ आई एल टी एफ फिल्टर। फिल्टर आपका दो लेता है, पहला लेता है आपका एज आ फंक्शन, इस फंक्शन को चाहे लैम्डा की हेल्प से यहाँ डिफाइन करो, चाहे इसको स्पेसिफिक जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसके डिफाइन करो, कॉमा में आप इस माई लिस्ट को आप अप्लाई करके भेज दो बस। तो आपका जो फिल्टर फंक्शन है वो इस माई लिस्ट पे अप्लाई करेगा, और क्या अप्लाई करेगा, जो आपने लैम्डा ए कॉलन ए कॉलन, अब यहाँ पे चाहो तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी राउंड कर लो, नॉर्मल ऐसे कोई सुनी है और इसे कवर कर दो। सो होपफुली मेरा ये लिस्ट के अंदर आप चाहते हो कि फिल्टर फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये फिल्टर हो गया, अब जरा सा चला के दिखाता हूँ क्या मेरा एक्चुअल में आंसर। पहले मैं अपने न्यू लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट भी करूंगा, पी आर एन टी प्रिंट के अंदर न्यू अंडरस्कोर एलएसटी लिस्ट। ठीक है, कर दिया, यहाँ पे चलाओ प्रोग्राम को, प्रिंट करके प्रोग्राम चलाओ, पी वाई फन डॉट पी वाई क्या आ गया, पर आउटपुट नहीं आया, तो आउटपुट के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे लिस्ट के बाहर भी। सो इस केस में यहाँ पे आपको फिल्टर से बाहर आपको एक एल आई एस टी लिस्ट लगाना है, और अब इस लिस्ट के अंदर आपको फिल्टर को स्टोर करना है, बस दैट सिंपल। तो फिल्टराइज करेगा क्या, लैम्डा ए को जितने भी डिवाइड आपके ए से होंगे वो आपकी जियो और माई फंक्शन, इस वाले को आप यहाँ पे लैम्डा के लिए डिफाइन करो या इसको किसी स्पेसिफिक फंक्शन को डिफाइन करो, डजंट मैटर, दोनों के लिए सेम। मैं एग्जांपल के लिए अगर इसी फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूंगा वो भी देखो आप, लेट्स मैं मान लेता हूँ कि मेरा क्या होगा पे माई अंडरस्कोर डेफ माई इस अगेन माई अंडरस्कोर फन लिख दिया कॉलन आएंगे, और इसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना है जो आपका क्या होगा ए होगा। ठीक है, और लिख देंगे क्या कि ए मॉडुलर 2, इसका लुक यदि लिख देंगे क्या लिख दोगे, इफ, अब लिखना है आपको इफ ए मॉडुलर, इफ ए मॉडुलर 2 इसका लुक क्या आपका जाए 0 आ जाए,
बस इतना काम रखे ए मॉडुलो 2 इज़ इक्वल टू 0, बस इधर लैम्डा ए किया डिफाइन कर दिया, अभी फिलहाल नॉर्मल बस इतना लिख छोड़ दो, बस इतना लिख के आप छोड़ दो, बस अपने आप काम हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। सो अब जब मैंने इस लैम्डा को लिस्ट में करना, सो अब इसको चला के रन कर देखना है, चला के देखते हैं कि पी वाई माई फन डॉट पी वाई क्या आपका आंसर आया। ओनली इज द 4, 6, 8 and 12 ओनली फॉर द इवन नंबर। सो इस केस में आपको लिस्ट के अंदर आप फिल्टराइज फंक्शन यूज करोगे ना, तो आपको वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से बजाय आपको लिस्ट में आपको रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस लैम्डा फंक्शन को हटा के मगर माई फंड पास कर दूं तो क्या ये काम करेगा? इसे हटा दो, यहाँ पे ले दो खाली, ले दो माई अंडरस्कोर फंड पास कर दो, दैट सिंपल, माई अंडरस्कोर फंड पास कर दो, क्या ये काम करना चाहिए? हमें यहाँ पे इसे लड़ने जरूरत नहीं। अब देखो चला के देखो, अगर ये काम करा तो हम ठीक है, ब्लैंक आया। क्यों ब्लैंक आया? कि इसके अंदर ए जो है, अब ए की वैल्यू को आप कहीं से कुछ कॉल तो कर ही नहीं रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट स्टोर कर दूंगा तो बेसिकली काम कहना मैं नॉर्मल, ठीक है। जब यहाँ पे आप रिटर्न लिख दोगे, यहाँ पे रिटर्न लिख दोगे, आप कॉल कराओगे तो आपका ब्लैंक नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी चीज रिटर्न कर रही नहीं थी। तो अब इस फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं, कॉल करने के बाद जितनी वैल्यू आपकी अगर इवन है तो उसको वो रिटर्न करके स्टोर कर दीजिए और उसको फिल्टराइज करें किस पे, माइल लिस्ट पे, जो हमने माइल यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये आपका बेसिकली काम क्या है, आपके फिल्टर और आपके लैम्डा फंक्शन का। एक और आपका रहेगा लास्ट मैप फंक्शन, इसको पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, बिकॉज आज का हमारा कोर कॉन्सेप्ट यही था। हम कल बात करेंगे अपने हम कि नेक्स्ट वीडियो में, कल नहीं नेक्स्ट आपका होगा, उसमें बात करेंगे व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग, व्हाट इज द एक्सेस हैंडलिंग, वो हमारा लेक्चर नंबर 4th होगा, जो आपको 1 days को लेक्चर करके अंदर आपका वैल्यू आपको मिलती है। हमें 7 days का पूरा रखा है पैकेज, तो उस 7 days के अंदर किस तरह से चीजें बनानी है, अपलोड करनी है, मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेके आता हूँ, बनाता हूँ तो टाइम लगता है, इसलिए आपको 1 days का, आपको 1 days का आपको रेस्ट मिलता है। इसको 7 days काउंट करने से जितने वीडियो आपको अपलोड होगा आपका एक तरह से 7 days हो गया, मीन्स की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे आप बोलना कितना आपके हो गए 7 days। अगर उसको काउंट करो तो मोस्ट आपके हो जाएंगे 14 से 15 days, बट 7 days आपको लेकर चलना है। हाँ 7 days मुझे पढ़ना, आज ही पढ़ना है तो इसको मुझे 7 days के अंदर पढ़ना है। अपने आपको इतना चीजें है तो एक दिन आप पढ़ नहीं पाओगे तो उसको 2 days लेकर चलो, तो इस तरीके से आपका 1 day पूरा होता है, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर फोर्थ डे, इस तरह से आपका 7 days के अंदर कंप्लीट पाइथन आप पढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू लिस्ट के अंदर जगह लिस्ट के गया, फिल्टर के अंदर माई फंड पास किया, कॉमा माई लिस्ट पास कर दिया, ठीक है। यहाँ से कहानी हमारी क्या हो गई, माई लिस्ट के अंदर आ गई, और जरा नीचे आके देखते हैं अब करना क्या है मैप करने के लिए। अगर मुझे सेम इस माई लिस्ट पे मुझे अगर मैं मैप कर दूं इस फिल्टर को, मैं अगर यहाँ पे मैप कर दूं तो क्या होगा, मैप फंक्शन यूज करने से क्या होगा, जरा देखते हैं कि मैप का काम क्या है। मैपराइज करता है आपके डाटा में कुछ चीजें चेंज करने हो, बोल रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब इसने आपको आउटपुट नहीं दिया, अब इसने आपको आउटपुट नहीं दिया, इसने क्या किया उसी वाली वैल्यू को, इसने जो हमारा मैप फंक्शन है और आपके फिल्टर फंक्शन डिफरेंट है, मैप फंक्शन क्या करता है आपके उसी लिस्ट को मॉडिफाई करता है, बट जो आपका लैम्डा फंक्शन की हेल्प से जो आप फिल्टराइज करते हो तो आपके इस लिस्ट में डाटा को फिल्टराइज करके एक नई वेरिएबल में स्टोर करता है। सो पहला आपका अगर इवन नहीं है तो फॉल्स आ गया, ये भी इवन नहीं है फॉल्स आ गया, थर्ड इवन है ट्रू, फिर ये ट्रू हो गया, फिर ट्रू अगेन फॉल्स फिर ट्रू देन फॉल्स, तो ये आपके आगे इवन फॉल्स का प्रोग्राम। इस वाले पूरे कोड को अगर मैं हमें फिलहाल के लिए कर दूं कमेंट, और नीचे में अगर सेम अपना एक और न्यू लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर मैप और लैम्डा के अंदर एस कॉलन, अब क्या होगा जितने भी आपकी वैल्यू है सबके अंदर टू इंटू कर दो। तो जब आप लिस्ट को ना उसी लिस्ट को हमें मैपराइज करना हो, उस लिस्ट में वैल्यू को चेंज करना हो या चेक करना हो तो आपके पास मैप फंक्शन होगा। लेकिन आप चाहते कि इस लिस्ट से मुझे स्पेसिफिक वही वैल्यू दो जो आपका ऑड है इवन है, तो उस केस के लिए आपके पास फिल्टर फंक्शन है। तो यही डिफरेंट आपका है फिल्टर, फिल्टर कहता है आप डाटा को फिल्टराइज करता है कि कौन से जो आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो आपने लॉजिक बिल्ड किया वो इस पर अप्लाई हो, अप्लाई वो आपको फेच करके दे, बट मैप आपके उसी लिस्ट पे उसको अप्लाई कर देगा, मैपराइज कर देगा, डाटा को मैप कर देगा कहाँ पे क्या चीज हो पा रहा है, ट्रू है ट्रू फॉल्स है फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने सभी वैल्यू में 2 से इंटू किया तो आपका नया लिस्ट जो आपका आएगा 2 10 बन के आपका आएगा। एक बार चला के दिखाता हूँ, देखो क्या आपका आएगा 2
10, 8 सब में आपका 2 से आपका n2 होगा। ये आपके होते हैं बेसिकली मैप और फिल्टर, ये आपके पूरा कॉन्सेप्ट होगा आपके एनालिटिकल फंक्शन का। सो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट को एनालाइज किए, एंजॉय किए। यहाँ तक की हमारी कहानी यही थी आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। सो चलिए वही मिलते हैं। यहाँ तक आए हो तो एक लाइक कमेंट जरूर देना और प्लीज वीडियो शेयर करें। आप भी कोई डाउट है कमेंट करना, अगेन से वॉच करना, आपकी सारी कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी। ये मुझे उम्मीद है और मुझे होप है चीजों को आप समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस।